तन नायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, है कि वही बुद्धि के दाता है। बुद्धि राशि शुभ गुण सदनो, सभी शुभ गुणों के घर ही है। राशि जैसे ट्रेन के लिए वो पटरी है, वैसे बुद्धि के लिए वो पटरी है ना? गणेश जी का याद करते हैं। और रही बात गुरु भैया, वही होता है जो भ्रम और महाभ्रम दोनों का निवारण कर दे, माने दूर करके। हाँ, भ्रम क्या है? यह संसार जगत जो नश्वर है इसी को लोग सच्चा मान लिए हैं, और जो शाश्वत है जिनका नाश कभी नहीं होता उनको लोग जो है उसमें भ्रम करते हैं। तो गलत चीज को सही मान लेना, माने गलत यानी जो नश्वर वस्तु है वह भ्रम है, और जब भगवान के ऊपर भ्रम हो जाए तो उसे महाभ्रम कहते हैं। तो यह दूर होता है जब सदगुरु मिल जाए। तब इस शरीर को मिल गए तो सब जो है कि जितना रहा भारत से लेकर अमेरिका तक, जय श्री राम। जब पता होगा कि सोना हो और उसे पीतल है, ऐसे समझो, तो फिर सोना के लोग उठे ने। सोना माने सत्य, तो सत्य और असत्य में अंतर का बा? सत्य माने जिसका नाश नहीं होता, और असत्य माने जिसका नाश हो जाता। तो यहाँ जो भी पैदा होता सभी खत्म हो जाता। तो कल श्री राम जन्म के अवतार का कारण बताए, और मनु और शत्रुपा जी की तपस्या और कैसे कैसे यह सब बात हुई। तो कल हम लोग दोहा नंबर 152 पर रुके हुए थे। दोहा रहा कि यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के तू अभरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हे तू। याग बलग जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, यह अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, और कल एक जीवात्मा के माध्यम से और इस शरीर के माध्यम से आप लोगों के पास यह बाड़ी जा चुकी है। अब कहते हैं कि अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब यह जो दूसरा कारण आवा था, दूसरा गायकरे पहले भी कई कारण आ चुका, यही कारण के बाद तब राम जन्म का कथा कल शुरू हुई, आज जो है सुना जाए। दोहा नंबर 152 के आगे कि सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। माने हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शंकर जी पार्वती से कहे थे। यह भी कथा शंकर जी पार्वती जी से
कहे है, इसके पहले भी और यह भी, क्योंकि ये सब कथा एक तरफ शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को समझा रहे हैं, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या कथा क्या कह रहे हैं, कथा का यह सत्य बात है, कथा माने कोई बनावटी बात नहीं। तो विश्व विदित एक कह कह देशु, असत्य के तू तहां बसई नरेशु। संसार में प्रसिद्ध कह कह नाम का एक देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा राज करते थे। यह ईश्वर की ऐसी लीला असली है कि पुलस्त ऋषि, जो आज सप्त ऋषि का एक भाग है, उनके घर में रावण पैदा हो सकता है। और देखिए सत्य केतु नाम सत्य केतु है, बहुत ही धर्म धुरंधर राजा रहे जी, उनके यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। इसलिए यह कहना कि बस हमारे वंश में ऐसे ही होता है, यह ठीक नहीं है। किसी एक नीच के घर में भी हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद जी हो सकते हैं, है ना? तो अब यह निश्चित नहीं है कि किसके कुल में कौन उत्पन्न हो सकता है। तो ये सत्य केतु राजा जो रहे, तो धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति, ध्यान दें, नीति यानी नियम, और वास्तव में नियम को ही धर्म कहते हैं। ये खाली मंदिर में जाके पूजा पाठ करके धर्म नहीं कहते, आदर्श नीति पे चलना ही धर्म होता है। तो नीति के खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान। अब लोग जान ले कि तेज प्रताप शील और बल यह मात्र ब्रह्मचर्य के पालन से होता है, उसके पहले नहीं। मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, अस्ते, सत्य, सत्य क्या उसके बाद, हाँ सत्य, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में इतना करेगा, उसी के पास तेज प्रताप सुशीलता और शक्ति प्राप्त होगी। आज मन निग्रह करने का भी पुरुषार्थ नहीं, मन निग्रह में भैया इतना है मात्र कि यह शरीर सेवक है और भगवान स्वामी। सेवक को जो भी जगह मिला, पुत्र का, भाई का, पति का, पिता का, दादा का सेवा कर दिया, और क्या, जय श्री राम। इतना ही मन निग्रह है, और सेवक है तो वह किसी का जो है कपट लालच मोह ममता नहीं करेगा, वह सिर्फ सेवा करेगा। सेवक का कार्य है सेवकाई, ठीक ना? तो तेहि के भय जुगल सुत बीरा, असब गुण धाम महारन धीरा। राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए, और सभी गुणों के भंडार और बहुत ही बलिष्ठ रणधीर रहे। और राज धनी जो जेठ सुते आही, अनाम प्रताप भानु असताही। राज्य का उत्तराधिकारी अक्सर बड़ा लड़का ही होता है, तो जो बड़ा लड़का रहा उसका नाम प्रताप भानु रहा। अपर सुतही अरि मर्दन नामा, अभुज बल अतुल अचल संग्राम। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था।
राजा सत्यकेतु के दो पुत्र प्रताप भानु और हरिमर्दन। उनको भैया समझता है तो भाई ही परम समिति असकल दोष छल बरजित प्रीति। भाई भाई में बड़ा मेल था, आज भी रहता है, लेकिन शादी के पहले तो और शादी होने के बाद फिर तो शुरू। और कहते हैं लेकिन इन सब में हमेशा रहा, इन सब में पहले हमेशा चलता रहा, अब इसी कलयुग के प्रभाव से लालच बढ़ गया तो अब यही सब समस्या हो गई है। और कहते हैं सब प्रकार से दोषों और छलों से रही सच्चा प्रेम था, न तो कोई दोष न तो छल कपट। और कहते हैं कि जेठे सुत ही राज नृप दीना अहरि हिते आपु गवन बन कीना। राजा जेठ पुत्र को यानी प्रताप भानु को राज दे करके भगवान के भजन के लिए वन को चले जाते हैं। और अब राजा प्रताप भानु सत्यकेतु का लड़का प्रताप भानु राजा हो गया तो फिर क्या होता है कि जब प्रताप रवि भयउ नृप अफिरी दोहाई देश अप्रजा पाले अति वेद विधि कतहु नहीं अगले। बहुत बड़ी बात है ये, और आप लोग एकदम चित्त में स्थिर कर ले। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। दुहाई यानी धरती में जो सातों भूभाग है प्रत्येक भूभाग का वह राजा बन गया, यानी पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पूरे विश्व विजय कैसे प्राप्त होता है? वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करता था। आज वेद की मर्यादा पर कोई भी राजा राज नहीं करता, कपट नीति हर जगह हो गई है नाथ, है ना? वेद नीति को लोगों ने एकदम छोड़ दिया है इस कलयुग में। और उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया, पाप कहीं लेश मात्र भी नहीं होता था। तो अगर वेद नीति को वापस ले आएंगे तभी ये पाप रुकेगा, अन्यथा रुक। समझ रहे हैं? इस बारे में जो है कि चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं महाराज कलयुग हो, कलयुग बात का हुआ, कलयुग बात का हुआ। अच्छा कलयुग हुआ तो क्या हुआ? क्या कलयुग कोई पेचकस पिलास लेके ब्रेन का कनेक्शन फिट कर रहा है? इसी नीति से राजा दशरथ राज किए हैं, राजा हरिश्चंद्र जी राज किए हैं, आज उनका नाम लिया जाता है। आप लोग उनके भी दादा हो गए, बुद्धि लगाइए। और देखिए अनृपहित कारक सचिव शयाना अनाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला मंत्री उसका नाम रहा धर्म रुचि, प्रताप भानु हरिमर्दन और मंत्री था धर्म रुचि, जो कि शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। और सचिव शयान बांधु बलबीरा आपु प्रताप पुंज रन धीरा। मंत्री का पवित्र बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। आज के मंत्री बस खाली अपने ठकुर सुहाती बात में
सब काम कराते हैं, इसीलिए राज्य अच्छा नहीं चल रहा है और सब लोग जो है कि पाप पारंगत हो गए हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था, और क्या किया किसेन संग शत्रु रंग अपार अमित सुभट सब समर जुझारा। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे और जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे, और क्या था किसे न बिलो की राउ हर शाना अरुबाजे गह गहे निशाना। अपनी सेना को देख करके राजा प्रताप भानु बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे विजय हेतु। जब कहीं का राज्य अच्छे से चलता है तो चाहता है कि ऐसा सारा संसार ही हो जाए। हाँ, तो विजय हेतु कट कई बनाई अस्तु दिन साधि नृप चले बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा प्रताप भानु शुभ दिन यानी मुहूर्त को साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां परी अनेक लराई जीते सकल भूप बरियाई। जहां तहां बहुत सारी लड़ाइयां हुई और वे सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिए। वेद नीति से यदि राज करेंगे तो आप पूरे विश्व पर कब्जा पा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि ऐसा राज जिसमें कहीं पाप न हो, सब प्रजा सुखी रहे, ऐसे राजा को कौन नहीं पसंद करेगा। आज स्थिति उल्टा है, गौ मास विदेशों में भारत से सबसे ज्यादा सप्लाई हो रहा है। राक्षस हो गए तो लोग उनकी तरफदारी लग गए, जो गुरु बन के बैठे हैं वे जो है ये सब ब्राह्मण लोग क्यों गौ को माता बोल दिए हैं, ये तो जंगली पशु था, ये लोग अपने सुविधा के लिए पाल रखे हैं, ऐसी बाढ़ी आ रही है। जबकि स्थिति है कि आकाश गंगा से धरती जल अग्नि हवा और आकाश पांचों तत्व को पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण में मात्र गाय के द्वारा ही लाया जाता है। ऋग्वेद के 28वें अध्याय का अध्ययन करने से इस बात को कोई समझ सकता है। जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है उसको लोग जंगली पशु बोलने में और काटने में भी जो है संकोच नहीं कर रहे, और जो लोग ऐसा कर रहे वही गुरु और राजा बन के संसार में राज कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल जो है देखिएगा आपके सामने आएगा सब तो सप्त दीप भुज बल बस कीने अलै लै दंड छाड़ रिप दीने। अपनी भुजाओं के बल से राजा प्रताप भानु ने सातों दीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। दंड का अर्थ है उनका राज लेकर के उन्हें छोड़ दिया। असकल यवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु मही पाला। और उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर मात्र एक ही राजा प्रताप भानु हुआ करता था। तो स्वबस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश अरथ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश करता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता रहा। देखिए यही मुक्ति है भैया, संसार के प्रपंच से बाहर
जीते जीते मुक्त होकर भगवान की भक्ति करिए, जीते जीते मुक्ति नहीं होगा तो मरने के बाद कौन जानेगा। तो एक काम जीते जीते हो जाना चाहिए। तो मुक्त होकर के अपना राज कर रहा था। अभूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। ध्यान दे, जब वेद नीति से कार्य करते हैं तो यह धरती बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। कहते हैं राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु, माने मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। सब दुख बर जित प्रजा सुखारी, धर्म शील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु के राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी दुखों से रहित, और सभी सुंदर स्त्री पुरुष अपने अपने धर्म में परायण थे। जिसका जो धर्म है वही कर्म करते रहे, और आज सब कर्म सब लोग कर रहे हैं। देखिए अंतर भी समझते जाइएगा, है ना। तो सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, अनृपहित हे तू सिखव नित नीति। जो धर्म रुचि मंत्री था वह भगवान विष्णु के चरणों का बहुत बड़ा प्रेमी रहा, और राजा के हित के लिए रोज नया नया हित की बात बताया करता था। और गुर सुर संत, ध्यान दीजिए यहाँ से, यह जो है आप लोग भी राजा ही है अपने घर के। राजा का अर्थ है गार्जियन, का कहले नो के मालिक, घरवा मालिक बनावल जाता है। आजकल तो सब अपने अपने मन का मालिक हो गया, कहले मन का मालिक है। और सच बात बाकी मन का नौकर बाए, मनवा जोन कहता वह करोता है। तो कहे वाला का भल मालिक, करे वाला नौकर, तो मन का नौकर। और इस बार भ्रमित बुद्धि बात कही, हम अपने मन का मालिक है, मन का मालिक नहीं है, अपने मन का नौकर है। इस समय सब लोग मन का नौकर हो गया बन था। तो देखिए वो क्या कर रहे थे राजा। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। राजा, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण, इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। आज सब उल्टा हो गया। और इतना ही नहीं, ध्यान दे, गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण, आज लोभ के चपेट में पूरा संसार आ गया है ना, इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो गया। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। प्रतिदिन अनेकों प्रकार से दान देते रहे राजा प्रताप भानु जी, और जो वेद और पुराण है उनको रोज सुनते थे। आज का राजा ये सब कुछ नहीं, वही हायर एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकुले द्वारा 1858 में डाल दिया गया, उसी का गुलामी संसार कर रहा है। पृथ्वी पर एक प्राणी ऐसा नहीं है जो कि झूठ का त्याग कर सके, वह चाहे शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, गुरु हो, आश्रमधारी हो, महंत हो, कोई भी हो, क्योंकि जब वेद नीति से पालन नहीं कर रहे तो झूठ ही बोल रहे हैं। ये भगवान शंकर जी की रचना है, अलग से प्रपंच भैया करने की कहां जरूरत है। लेकिन आज लोगों को नाम करना है, चेला बनाना है, अपना फोटो पूजा कराना है ना। अगर जब आपका कोई कामना है तो आप संत नहीं हो सकते, क्योंकि संत
भगवान के भक्ति के अलावा कोई कामना जब मन में न हो तब तो आप संत हैं। भक्ति के अलावा ये भक्ति है, ये जो हो रहा है ना, खट दम सीले, छठवी भक्ति है ये, खट दम सीले विरति बहु करे मा अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। अनेक कार्यों से विरक्ति, धन के लिए कुछ नहीं करना है, चिला बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नाम के लिए कुछ नहीं करना है, शरीर का फोटो पूजा कराने के लिए कुछ नहीं करना है। जो भक्त लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो, भगवान की कथा सुनेंगे तो उनका उनमें विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तो भगवान के प्रति भ्रम मिट जाएगा, क्योंकि सत्य यही है। जब इनको जानेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, तो मन ये माया जगत से मुक्त होकर के इसमें लगेगा, ये तो अच्छी बात है ना। ठीक, और क्या करते थे, नाना बापी कूप तड़ागा असुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए असब तीर्थन विचित्र बनाए। राजा प्रताप भानु नाना बापी कूप तड़ागा, बहुत सी बावलियां कुए तालाब सुमन बाटिका सुंदर बागा फुलवाड़िया सुंदर बगीचे और विप्र भवन सुर भवन सुहाए ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थ वगैरह बनवाए। इन सबसे भैया आस्था बढ़ती है। हाँ, आज हर जगह जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पंडित जी शादी कराना है कितना लेंगे कोई मतलब नहीं रहा, तो ये कोई बात नहीं होती है। तो जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों हजार बार किया। आज राजा का कोई टाइम नहीं है, उनको जो है कि अमेरिका जाना है, वहां से जो है मांस खाने वालों के हाथ में गीता देना है है उनसे संबंध बना करके ढेर सारा जो है धन ला करके जो है सड़क बनवाना है, ऐसे नहीं होता है। वेद में जो नीति है उस नीति से राज करेंगे तो एक भी पाप नहीं होगा। जी बहुत सब बातें हैं, तो देखिए ये सब तो बातें हो रही हैं, ऐसा होने का नियम है, जिस पर बड़े बड़े महापुरुष राजा दधीची सीवी हरिश्चंद्र जी इनका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो वैसे किए हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद भी हृदय न कछु फल अनुसंधान भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था, विवेक यही होता है, विवेक बिना किसी कामना के मात्र सेवा का भाव हो, चाहे घर में पुत्र के रूप में काम करे, भाई के रूप में करे, चाहे पति पिता के रूप में काम करे, चाहे राजा का काम करे, जो भी काम करे निष्काम सेवा होना चाहिए। निष्काम सेवा है तब तो विवेक है, अगर कोई कामना है तब वह विवेक नहीं है, क्योंकि हो ही विवेक मोह भ्रम भागा अतब रघुनाथ चरणे अनुरागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह भ्रम भाग जाते हैं, तो सबको जो है संसार में सभी का जीव तो ईश्वर का ही अंश है, तो सबको जो है सेवा करने के भाव से अपने लिए कोई कामना न हो सेवा करे वो भी
राम जी की भक्ति ही है। चाहे घर में एक पिता के रूप में भक्ति करे, चाहे देश में राजा बन के करे, लेकिन वो कामना रहित होकर के सेवा करनी चाहिए, तब तो विवेक है। अगर कोई कामना है तो विवेक वहाँ, तब तो कामना के बस में है जी। तो देखिए, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इतना करने के बाद जो कुछ अच्छा कर्म हुआ, बुरा कर्म हुआ, जो कुछ हुआ, सब जो है भगवान विष्णु को अर्पित कर देना कि प्रभु आपके आशीर्वाद से जो इस शरीर से कर्म हुआ ये आपका है, ये अपना कोई कर्म नहीं है। ठीक ना। अब देखिए, अब जब पूरा राज पर विजय ये है ना सातों महाद्वीप में, तब क्या होगा? अब उसमें कुछ न कुछ दुश्मन तो बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो चढ़ी बर बाजी बारे एक राजा, अम्बी गया करे सब साजी समाजा। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजा कर, ध्यान दे, एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान लेकर के सजा करके, यही जिस पर्वत के तरफ है बिंध पर्वत इसी को कहते हैं, तो विंध्याचल के घने जंगल में गया और विंध्याचल गभीर बन गयउ, अमृग पुनीत बहु मारत भयउ। और उत्तम उत्तम हिरण को उसने शिकार किया। अगर अच्छे भाव से आप हिरण का शिकार करते हैं तो उनको परम पद प्राप्त होता है, उत्तम भाव से। जैसा मन का भाव रहेगा वैसे ही उसको गति मिलेगी हिरण को। हाँ, राग वो होता है तुरीय अवस्था। यहाँ एक बात आती है कि जब राम जी सोने के अमृत को मारे तब उनको कोई कुछ नहीं कहा, और जब सलमान खान मृगा का वध किए तो उनको जो है जेल हुआ, क्या क्या हुआ, तो ऐसा क्यों? तो जब आपके मन की गति उत्तम है, ठीक ना, तब जो है कि जो आपके मन की गति है उसी वही गति पहुंच जाएगी उस जीव में। हाँ, वो नियम होता है। तो तुरीय अवस्था में वध करने से मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि बाली को हुआ है ना, और तमाम लोगों को, राक्षस लोगों को भी हुआ। तो देखें, अब जब जंगल में जाकर के हिरण उग्रह को मारे तो फिरत बिपिन नृप दिख बराहू, जनु बने दूरे ससिहि ग्रसी राहू। जंगल में वो क्या देखते हैं? एक सुअर और उसके दांत कैसे हैं, जैसे कि राहु चंद्रमा को ग्रस लिया हो, बहुत भयंकर। अब बड़े विधु नहीं समात मुख माही। वो बड़ा चंद्रमा उसके मुख में समा नहीं रहा है, इतना देखने में ऐसा लग रहा है। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। और लग रहा है कि वह हिरण क्रोध के बस में होने के कारण उसको बाहर भी नहीं छोड़ रहा। एक ऐसा जो है कि वह सुअर देखा तो कोल कराली दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवरे अधिकाई। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई।
इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। तो घुरु घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। तब और उसका जो है एक दोहा आता है कि नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु चपरि चले उहे सुटु की निपु हाँ की न होई निबाहु। नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता शिकार के भाव से। तो आवत देखी हरदिक आवत देखी अधिक रव बाजी अचले उबराह मरुत गति भाजी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर हवा के वेग से भागना शुरू किया। अतुरत कीन निपु सर संधाना मिली मिली गया बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत अपने ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते देखते धरती में डुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा करी छले सुअरे शरीर बचावा। राजा ताक ताक करके तीर चलाते रहे लेकिन सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। अब प्रगटत दूरत जाई मृग भागा और इस बस भूप चले संग लागा। अब कभी छुपता कभी दिखाई देता ऐसे करते करते सुअर बहुत दूर चला गया अंदर। हाँ, और राजा भी जो है पीछा करते करते चले गए उसके साथ जंगल में काफी दूर तक। तक गयो दूरी घने गहन बराहू जहनाहिन गजे बाजी निबाहू। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह माने जाना हो ही नहीं सकता दुर्लभ था। गुफे में ऐसे घुस गया है तो अति अकेले बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मग तजय नरेशु। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा छोड़ा नहीं। तकोल बिलो की भूप बड़े धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गुफा में जा घुसा। तो अगम देखी नृप अति पछिताई फिरे उ महा बने परे उ भुलाई। अब राजा देखे कि अब तो अंदर नहीं जा सकते हैं तो बहुत पछता कर उनको लौटना पड़ा लेकिन उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। खेद खिन्न छुदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा और घोड़ा के सहित भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो गया
अब राजा नदी तालाब कुछ खोजता खोजता फिर रहा है और बिना पानी के बेहाल हो गया। जल बिनु भयउ अचेत, तो फिरत बिपिनी आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि भेषा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। जब सब राजाओं को जीते तो उसमें यह राजा ऐसा है कि वो राजा को अपना कुछ होते हैं ना कि उनके सामने जाएंगे नहीं, भाग गया था। लेकिन वह कपट मुनि का भेष बना के वहां पर छुप करके रहता था। तो जासुदेश नृप लीन छुड़ाई, समर सेन तजी गय पराई। बहुत जगह मिसप्रिंटिंग है, जहां जहां रहता है उसको सब सही करते जाते हैं। तो उसमें भी किए हैं जो आपके पास है, देखेंगे कहीं कहीं। हाँ, क्योंकि कपट इतना बढ़ गया है ना कि जो सदग्रंथ है उसमें भी सुख के जगह दुख, दुख के जगह सुख, सब उल्टा पुल्टा कर दिए कि लोग इसी में भ्रमित रहे, है ना, रास्ता न मिले। हाँ, आज भी ऐसे देखते होंगे कुछ लोग जो फंसाने वाले होते हैं, उनसे अगर रास्ता पूछे तो बस इधर चल जाना, इधर इधर भेज देंगे और उसके बारे में बड़ा खुश होंगे कि गए हैं, वो परेशान हो रहा हो। आजकल लोगों को परेशान करने में ही आनंद आता है, क्या करेंगे, राक्षस का व्यवस्था हो गया भैया पूरा। तो कहते हैं कि जिस देश, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, यानी राजा प्रताप भानु से इसका सामना नहीं हुआ था, है ना। तो समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा जान करके और अपना बुरा दिन का अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। जो स्वाभिमानी होते हैं ना, वो कभी झुकते नहीं है, बड़ा ग्लानि हुआ। तो गय उन गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। इससे वह घर तो नहीं गया, हाँ, और अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला भी नहीं। हाँ, समझ रहे ना। तो रिस उर मारी रंके जिमी राजा, पिपिन बसई तापस कैसा जा। जो लोग दरिद्र होते हैं वो मन ही में क्रोध को मार देते हैं, उनके अंदर क्रोध रहता है लेकिन वो क्रोध को अंदर दबाए रखते हैं। कब अवसर मिले, तो कहते हैं ना कि आज अवसर मिलल हो, बतावा थी बचवा, बहुत दिन से सोचत रहे। जब यह वाणी आपको कहीं भी सुनने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि यह महान निकृष्ट और कुटिल व्यक्ति होगा। कोई भी बात हो तो उसको साफ साफ कर देना, हाँ, अंदर रखने से समय अपव्यय होगा, कोई उसका अर्थ नहीं है। तो कहते हैं दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तो सासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। जब राजा प्रताप भानु उसके पास आश्रम के पास जाते हैं तब यह पहचान लिया कि तो प्रताप भानु है, है ना भाई। प्रताप भानु तो अपना राज, जब वो युद्ध चल रहा तो उसमें मग्न थे, वो देखा था लेकिन सामने नहीं आया था, तो वह तो समझ गया, हाँ, वो तो नहीं समझ पाए कि ये जो इसका राज मैंने लिया है, लेकिन वह जो है पहचान गया। तो ताऊ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महा मुनि जाना। भूख प्यास से वैसे भी व्याकुल थे और अच्छा वेश देख करके
वो सोचे कि ये बहुत अच्छे ज्ञानी मुनि है। आज भी वही चल रहा है। जे जन में कली काल कराला करतब बायस भेष मराला। ये जो कलयुग में पैदा हुए लोग, काम कौए का है। कौआ क्या करता है देखते हैं, चिड़िया लोगों का अंडा खाता है, सब चिड़िया दौड़ाती रहती है कौ उनको है। तो आज के लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, सबके मेहरारू अपने आप को स्वामी कहवा रहे हैं। अरे भाई, जो शादी करेगा तो वह स्वामी है, जो पालन पोषण करता वो स्वामी है। स्वामी कहाँ, हनुमान जी सेवक हैं, सबके स्वामी वो हैं। यहाँ पर स्वामी नहीं, कोई अधिक से अधिक बन सकता है तो भगवान का सच्चा सेवक। दूसरे का धन हरण कर लिया, दूसरे की पत्नी से स्वामी कहवा दिया, उसी को सब बड़का गुरु समझ रहे हैं, है ना। तो भेष के प्रताप से पूजा तो होता है, लेकिन उघर ही अंत न हो ही निबाहु। अंत होता जरूर कलयुग में है, कोई जितना भी कपट कर ले, क्योंकि खुलेगा भेष जरूर, क्योंकि यह नीति नहीं है। आप सिर्फ सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, आपको धन से अग्नि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संसार चलता है लक्ष्मी और अग्नि से, पैसा कमा के लाते हैं, घर में चूल्हा जलता है, चाहे गैस वाला जले चाहे ऊपरी वाला, जब चलेगा तब आपका घर संसार चलेगा। संत माने मन से संसार का अंत, तो संसार का जो उपकरण है लक्ष्मी और अग्नि, उससे कहाँ मतलब होना चाहिए। ये सब वेद की नीतियां हैं, संत का परिभाषा है। आज जो है कि उस मार्ग को जो है कि लोग धारण करने में असमर्थ हैं। जो देख रहे हैं, जिसके पास खूब धन है, जिसके पास खूब केला है, उसी को सब बड़का संत समझ रहे हैं। जबकि आप भगवान के सेवक है तो आपको कैसे चेला चाहिए। अगर आप ही को चेला चाहिए तो आप उनका चेला कहाँ रह गए। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसको ठीक होगा, आने वाला कुछ प्रारब्ध है भैया। हाँ, तो देखिए, तो वही कह रहे हैं कि राजा तो नहीं चीन पाए, राजा नहीं चीन पाए, और उसको जो है कि महामुनि समझ करके उतरी तुरग ते किन प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। घोड़े से उतर करके प्रणाम करते हैं, लेकिन परम चलाक होने के कारण अपना नाम नहीं बताए, क्योंकि राजा है। बहुत लोग राजा से खुंदस खाए रहते हैं, सही नाम बता देंगे तो कोई। तो ये नियम है कि हर जगह अपना नाम नहीं बताना चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो, यदि आपसे कोई पीड़ित है न, यदि आपसे कोई पीड़ित है तो, अगर आपसे कोई पीड़ित नहीं है और आप एकदम सज्जन पुरुष हैं, तब बताने में कोई आवश्यकता दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आए तो बड़े प्रेम से कहे कि बात कहे, ये कुशाल गांव में जन्म भबा। इनका जन्म हुआ कि एक साल पहले ही घर छोड़ के गए भाई, ऐसा ऐसा भलवा देखे अवस्था में यहाँ भाई। जौन बात बाप हुआ उनमें तो कुछ छुपावे के नहीं बा। आदमी गलती करते हैं और कहते हैं सच पड़ा कड़ुआ होला गुरु। तो इस पर शोध किए तो मुझे पता चला कि आदमी एक गलती होते हैं और सच को कड़ुआ कहते हैं। सच हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। अब भाई ये पेन है, ये कबूतर बन के थोड़ा उड़ेगा। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सत्य कड़ुआ कैसे हो सकता है। आप झूठे हैं इसलिए सच को कड़ुआ कहते हैं। ये सब शोध करके निकला है, सच कभी कड़ुआ नहीं होता। बल्कि अगर आप अपना कुछ ऐसा भी सच जो कि कभी किसी को न बताए हो, किसी से अगर जाकर के प्रेम से कहेंगे कि भैया आत्मग्लानी होगा बा, लेकिन जीवन में हमसे ही गलती होगा लहा एक बार, आपके बताई कि यह समाज जोने से डरत रहा कि हमारे बात छूके से संसार हमारे बेसी करी, वह समाज आपके हृदय से लगाई। अरे वाह, आपके हिम्मत के माने कोई जाए ना भाग, गलती तो सभी सोला तहु से भल बा, कोनो बात नहीं। लेकिन जब तू इतना ठान ले कि अभी गलती नहीं तो तू बड़ा महान पुरुष। और आदमी जो है गलती भी करता है और छुपा करके उसी को हृदय में रख रख के शरीर भी छोड़ देता है और साफ नहीं कर पाता।
गलती तो करना नहीं चाहिए, अगर हो भी जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तब जो है कि मन निर्मल होगा। नहीं गलती किए हैं तो दूसरे से छुपा लेंगे, अपने से छुपा पाएंगे नहीं, तो अंदर से हमेशा जो है आत्मा पुरस्ती रहेगी। हाँ, तो मन को स्थिर नहीं होने देगी, तो कोई बात नहीं। अब जो है भूपति त्रिषित बिलोकिते ही सरबरु दीन देखाई, अमजन पान समेत हय किन निपति हरसाई। राजा को प्यासा देख करके वह कपटी मुनि उनको सरोवर दिखा दिया, वहां जाकर स्नान करते हैं और पानी पीते हैं, घोड़े को भी अपने पिला देते हैं और हर्षित होकर के, है ना, कि चलो भैया प्राण में जान में जान ये पानी मिल गया। और गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ। सारी थकावट मिल गई, राजा सुखी हो गया, तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में लेके गया। यहाँ पर एक बात जान ले भैया, जब अच्छा युग रहता है ना, तो उसमें नदी के पानी में भी इतनी ताकत होती है कि लोग जल पान करके भी अपने शरीर को जिंदा रख सकते हैं, इतना तत्व नदी के पानी में हो रहता है। आज के पानी पीने से मर जाएंगे, आज के पानी में वो ताकत नहीं है, है ना, क्योंकि वो इतने जो है तत्व आते हैं नदी में, वो तत्व से युक्त रहने से जो है कि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती रही। जी जी, तुवासन दीन है अस्त रवि जानी, पुनिता पस बोले मृदु बानी। सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया और फिर वह तपस्वी कोमल बाणी बोला, है ना? अब देखा जाए कि को तुम कसे बने फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। कहता है तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? और फिर कहता है कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। कहता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे दया आ रही है। कपति मुनि बोल रहा है कि मुझे, अब बताइए कपट है तो दया कहाँ हो सकता है, कपटी को दया अपना तो पहले ही जान गया है, तो ये कपट क्या होता है? सुनिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सुनिए, एक कपट क्या होता है आप सब लोग पहचानिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। यदि आपके अंदर किसी भी समय ऐसा भाव होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलना पड़ता है, उसी को कपट कहते हैं भैया। तो आप लोग स्वतः देख लीजिए, दे दिया ने? आज एकदम व्याप्त है, है ना? लेकिन इधर कुछ नहीं मिलेगा भैया, इतना बता रहा हूँ, सब एकदम जो है, हाँ ये सब कलयुग का जो है ना प्रभाव है, कुचाल, इसी को कहते हैं कुचाल। हाँ, एक कलयुग का कुचाल है जो कि जीव को ऐसा कर रखा है, लेकिन अगर जब जीव ऐसा ठानी लेगा ना, भगवान का जो सच्चा सेवक बन जाएगा वो कभी कुचाल में नहीं पड़ेगा, और कलयुग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पूरे रामचरितमानस का शोध करने के बाद यह पता चला कि सच्चे सेवकों के ऊपर युग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब मन बाड़ी कर्म से सच्चा सेवक बन गए तो क्या करेंगे ये सब, लोभ बहना हो बहे, एक प्रमाण देखिए भैया, लोभ बहना है बहे, अंतिम सांस तक
द्रव को छूना ही नहीं है, लेना ही नहीं है किसी भी स्तर पे लोग बना है, क्या मतलब है। अब ऐसा जब विचार कर लेंगे कि झूठ बोलना नहीं है तो ठीक है, शरीर में जितनी शक्ति है उससे सेवा कर रहे हैं। सच्चा सेवक बनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अब एक कपट का जो धार चला है, कपट मुनि का, अभी तक आप सुने जो सब कुछ काम करता था और वासुदेव को सब समर्पित कर देता रहा है ना, और उसके अंदर अपनी कोई कामना नहीं थी राजा प्रताप भानु को। तो जब ये कहता है कि मुझे बहुत दया आ रही है, अब यहाँ पर बड़ा बारीकी से कान मन और चित तीनों लगा के सुनिएगा कि कैसे बुद्धि भ्रमित होती है। यह आने जा रहा है बहुत कम समय में। तो कह रहा है, राजा बता रहा है कि फिरत हेरे परे उ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। भाई अच्छा फेस बना करके कोई कहता है ना, तो कहता है कि शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। अब देखिए जैसे ही आज भी ऐसे ही सब कपटी भेष धर के बैठे हुए संसार में, जब कोई जाता तो कहता है महाराज, अब उसको कहाँ पता है काम क्रोध मद लोभ रथ गृहा सक्त दुख रूप। काम क्रोध मद और लोभ में रस और घर से आसक्ति है, वो तो बेचारा दुख रूप है ही। अब बाबा जी है तो कम से कम सही सही रहिए भाई, सदभाग दीजिए, लेकिन वो लोग पहले ही कपट का छुरी लेके तैयार है। बच्चा कोई बात नहीं, बच्चा ऐसा मुंह बनी है कि समझ में आ जाए कि बड़का बाबा जी है। ये लड़का बताओ तरह के मुंह ऐसे ही देखे, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे ही रहे, तो वो प्रेम नहीं आई। जब आदमी ना एक जने अगर कपट से मुक्त पाया तो जे कपट लेके आई उनका कपट अपने आप पर धुलत जाये, यह न भैया। और जे नहीं बा सफा तो वो दूसरे का सफाई नहीं कर सको जी। तो फिर वो कह रहा है कि हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कहते हमें आपका दर्शन दुर्लभ था महाराज। हाँ आज भी देखत होगा कि जब कोई आवला तैसन लोग ये उठना आके बोला ले है ना, कहीं भी जाइए बाबा जी जहाँ आए तो थोड़ा सा बड़कपन दे लें, तेरे महाराज आप महापुरुष है, आपका दर्शन होगा, भाग खुलेगा, कहले नहीं बात अहो भाग की आपका दर्शन बा। अब लोग बोला लें तो जरूर। अभी व्यवस्था स्वतः जो है कि जे साधु के भेष में बा ओके चाहिए, क्या है कि बेचारे के पास पहचानने की क्षमता नहीं है, तो ओके जो है कि ठगम हो। पूरा संसार में तो सब बा ऐसा व्यवस्था, लेकिन अब साधु भी बन के ठगवे बात अच्छी नहीं बा नाथ जी। तो कह रहा है कि कुछ भला होने वाला है, इसीलिए आपका दर्शन हुआ। तो कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। कहे कि अधियारा हो गया है और 70 योजन पर तुम्हारा नगर है, बता दिया। अब ये नहीं बता रहा है कि हम हारे थे तो ऐसे भाग के आए हैं, वो हाँ वो बताया नहीं, अपना नहीं बताया। देखिए यही कपट कर रहा है। तब उसको बिजली कह रहे तो मुझे पहचान गए, पहुंचा हुआ मुनि है। हाँ ऐसे ही करते हैं सब, आ करके जो है देख पूछेंगे कि भैया इनका नाम कहा, इनके घर में कितना जने बाए, ऐसे ही कुछ पूछ पूछ के बैठी है एक जगह गांव के बहरे, वहां गई जगह कहीं, अरे हरिश्चंद्र जी आइए आइए, आपके तीन बच्चे हैं यार। ऐसे ही सब ठगाई कर रहे हैं, ये संसार में ऐसे लोग हैं, आप लोगों को अनुभव होगा है ना। तो वो बड़ा सब हाँ उनका काम ही वही है ठगना, और उसमें जो है आदमी भ्रमित हो जाता है। अब जैसे ही वो बोला कि आपका नगर 70 योजन है, वैसे वो समझ गया कि ये बहुत ज्ञानी मुनि है। देखिए कपट कैसे
डाल रहा है कपट की छुरी। अनिशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, अब बसहु आज अस जानी तुम जाए हूँ हो ते बिहान। कहते हे सज्जन सुनो, घोर अंधेरी रात है, जंगल घना है, रास्ता नहीं जान पड़ेगा, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना, ऐसा कहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छी वाणी है और बिल्कुल परम प्रमाणित वाणी है कि तुलसी जसी भवताव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताही पही ताही तहा ले जाय। जैसा होनहार होता है भैया, वैसी सहायता मिल ही जाती है। जैसे इस क्षेत्र में जो है शंकर जी के सेवकों की संख्या अधिक है और स्थिति है दूसरी तरफ कि शंकर जी के मुख्य रचना से अलग हट हट के सब लोग अपना पंथ शुरू किए हैं, अब धीरे धीरे सही बात शंकर जी के सेवकों के पास जा रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है कि भैया अगर तू संत है तो तुके लक्ष्मी अग्नि से मतलब न हुआ चाहिए, अगर ऐसा करो था तो महाराज ठीक नहीं बा, जेके चाचे बाल बच्चा बहन धन होके चाहिए, संत के धन से क्या मतलब हुआ के चाहिए, एक मतलब कि जो नहीं संसार जगत में व्यवस्था बाई उचित नहीं बा, तू खुद जब लालची बाय तो तू दूसरे के का सही रास्ता दिखेबे। तो धीरे धीरे बात खुलासा हुई या कुछ भव सभ्यता बा, तो तुलसी दास जी कहते हैं कि जैसा होनहार यानी भव सभ्यता होता है वैसी सहायता मिल ही जाती है, या तो वह अपने आप ही उसके पास आ जाते हैं या तो यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं। तो पहले ही मास्टर साहब यहाँ से वहाँ पहुँचे जहाँ पर यह शरीर था, और उसके बाद जब ये सब सारी बात सुने तब इनको प्रेरणा आई कि नहीं सुनना चाहिए रामचरितमानस, तो वहाँ से चल चल के भैया एकदम चल दिए, रात के 4 बजे भोरे में वहाँ से निकले है ना, और शाम को बता दिए थे कि भाई अब यहाँ पर कोई रामचरितमानस सुनने का है नहीं और मुझे भगवान का भजन ही मात करना है, तो अब हमको पर्वतावास की प्रेरणा मिल रही है, चलना चाहिए। वहाँ से चल दिए, आगे चल के बीच में रास्ते में मिल गए और जब जो है कि देखे कि भाई चलिए, तो हम चलते ही चले आ रहे हैं बिल्कुल आराम से, तो रास्ते में जब इनके मुख से आवाज आई कि गुरु तनी कहीं रुकल जा बैठा जा, तब वास्तव में बड़ा आश्चर्य है कि अभी नया नया एकदम जवान शरीर और ये बैठने की बात करते हैं। तो बैठे, चिंता न करे, मैं कोनो कहे कि सब हाँ जो जो अभी क्या हुआ ना कि जो शरीर है ये तत्व सब जो है ना विहीन हो चुके हैं। हिमालय पर्वत पर एक जगह है जहाँ पर पार्वती जी का तालाब है, उसे पार्वती तालाब कहते, किन्नर कैलाश के पास, वहां पर गेहूं का बीया आज भी है 100-100 ग्राम का, गेहुआ का दनवा से किन्नर कैलाश के पास में पार्वती गुफा के पास। द्वापर जब समाप्त होने लगा, द्वापर के बाद एक कलयुग आया है, तो उसको फाड़ करके उसका तत्व निकाल लिए हैं पांडव लोग। हाँ हाँ, तो जो गेहूं का बीवा जो जमला छोटे छोटे जमला का जो बलिया में रोहला, तो मनिया जो चीरा लगा है ओमें चीरा नहीं बा, हाँ पूरा बा, और 100-100 ग्राम के, तो वो तत्व बटले नहीं बा, तो तत्व विहीन बा, और रोहू में ब्रह्मचर्य का पालन, अभी ब्रह्मचर्य का पालन करे से ही काम आगे बढ़ी जी, और आज स्थिति बा की फैशन चला बा, पहले के पिताजी लोग सिखावे कि जहाँ माई बहन बिटिया के देखा 9 फीट के दूरी पे नजर गड़ा के निकलो, हो सकल आप लोगों के भी आइडिया हो कुछ, लेकिन आज बा के एकदम सिस्टम पूरा ओपन, कोई कोई कोनो मतलब नहीं बा।
से कोई बात नहीं, वहां से अपना चल चल के आराम से आया। और देखिए यहाँ पर बहुत तबियता बान है, कुछ ऐसा हुआ नहारी बात तब तो होता तो कोई बात नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये सब अनेर पूरा बढ़ गया है, कम शब्द में भैया का राम कुमार, राम कुमार भैया एकदम पक्का पक्का समझो। जितना लोगन के अभी समझाए भाई झूठ उठ छुड़ावत है ननकू भैया, उतना लोगन का छूटा बा नहीं। तो जितना पद पे धारण किए बा, कोई धरती पर एक है धर्म गुरु नहीं बा जे कि झूठ के त्याग के संकल्प ले सके। आज कहे कि जहां लालच रही वहां कपट हुई जी, ऐसे लोग सही मार्ग नहीं दे पावत है। बस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, बस हम ही गुरु है, मेरा फोटो ले जा पूजा कर ले, फोटो लेके इले चला के कुटिया बनावे, लाची धाना जुटावे, अगरबत्ती जुटाओ, जय गुरुदेव करो, का होई एक काम बढ़ेगा, एक काम बढ़ेगा। और जबकि है छोटे घास बाबा, लालच काम गुस्सा घमंड जलन ममता, यही के कॉलेन खट बिकार, यही संतोष से निकलला। हाँ खट मने छह, लालच काम गुस्सा घमंड जलन और ममता, यह खट बिकार निकली, मन निर्मल हो जाए। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ लोभ इसमें इतना प्रचंड होगा बा कि बाबा जी लोगन के देखो था जहाँ कुछ न चाहिए वहाँ बड़का माहौल और गाड़ी, यह नेत बा कि नहीं बा भाई समझल जा। आप लोग जो है कहे कि संत का अर्थ है बा कि भैया तो के कोनो आश्रम से मतलब नहीं बा, संत समझ ले अगर आप जोन आंखी से देखत है ना, इनमें भगवान के जितना लीला बा सबकर जो है कि अनुभव कर सकल है। यहाँ समुन्द्र सबसे ज्यादा बा, 70% समुन्द्र है बा, अगर भगवान समुन्द्र बा तो संत लोग बादल होते, बारिश करे उनके बदले धरती है पूरा आश्रम बा। अगर अलग से आश्रम बनाओ के बाद छोटे के घर छुक्का कर छोड़ा के कौन मतलब बा, ये तो बोलते आपका आश्रम बढ़िया बा छोटे का बा। यहाँ सब जने गरीबन के उजाड़ के बस्ती बड़ा बड़ा आश्रम, यह नेत बा की साधु गिरी बा भाई देख ले। ता आगे देखो कुछ नहीं, अब क्या करवे वो सब इन्हें नहीं इतना नहीं, अब क्या करवे। यहाँ मत देखो नाथ, यहाँ चंडीगढ़ में रहे एक जने अपने आपके शुद्ध प्रभु बना के बैठा बा, उनका अखबार इतना छपा बा, उनके क्या पहुंचा उनसे पूछे क्या भाई बताओ, तीनों गुण तीन अवस्था तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर जी बा सामने बैठो, उन्होंने भेज दे गुंडा, ना ही माने तो 50 लाख रुपया का रिश्वत भेजन की कसू बचाओ, नहीं तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां से छोड़ के हमके नहीं ठीक बात उसे पढ़ो ले आगे बढ़े। स्थिति बाकी हर जगह का पटने, अब ऐसे में मनुष्य क्या करे, किस पर विश्वास करे। और संत लोगों की करतूती धीरे धीरे खुल रही है, राजा को जब बोले कि यार एक छोटा सा लाइन की बिना बैराग के भैया ये ज्ञान नहीं हो, जिसके पास विरक्ति नहीं है उसको उसको संत का चोगा पहनने का अधिकार छीन लीजिए, जो संत का भेष धारण करना चाहे तो उसके पास विरक्ति होना चाहिए, ऐसा आपके कानून में हो। लेकिन अभी स्थिति बाकी यहाँ अगल बगल जितना बयान सो अब वो सब धनाढ्य बारी हुआ ना दी है, और राजा के राज चलावे को होते कर नहीं सकत, और यह प्रजा बेचारा इनमें खाली दुहाता, राजो लूटे गुरुओ लूटे, घरे में मेहरारू का पति का परमेश्वर उनका अरे पत्नी का परमेश्वर उनका पति होलेन भाई, मात्र पति परमेश्वर के ही चरण में मन बाड़ी कर्म लगावे से मुक्ति मिलेगा, दूसर धरती पे कोनो रास्ते नहीं बा। चारों वेद ये बात के गाँव होता है, यहाँ मेरा उनका झुंड लगा करके समझने प्रवचन, तू चारों वेद का नन्ना है तमाम बात बा। तो ये बात के जो है जब आप लोग विचार करही कि कोनो मतलब नहीं बने, आप लोगन के सही सही लड़का ध्यान दे, पुत्र जब पैदा है ने पिताजी के का नाम हो जगन राम ने जब पैदा भी ने तुरंत गांव में शोर होगा, अरे जगन के लड़का भा लड़का भा लड़का भा तुरंत। अब सच्चा पुत्र सच्चा भाई सच्चा पति सच्चा पिता इतना ढेर सारा धर्म लेके चलेगी बात, समाज में सच्चा एक व्यक्तित्व भी हुआ चाहिए, और उन्हें कहा उनका बहुत दे दे कन्यादान हाथ पकड़ाई दे,
अगर वो आपके मन में मन लगावे, आपके मन के विपरीत न जाए, बाणी ऐसा बोले कि आपका मन उथल पुथल न हो, तो आप बड़े प्रेम से जीवन जी लेवे, भव सागर से बड़े आराम से पार हो सकल है। लेकिन यहाँ बात की कोई काम न करी, हर कमुआ में टांग रही है ने? हाँ? हमें तो खरीद के लिया है का नौकरानी ही का जी। यह सब ड्रामा चलेगा बा, ये जब वापस जाई भारत तब बे जो हो तो कोई बात नहीं। तो ये सब बात के समझत रहा बीचे में, ये राम कथा का बात होता कोई बात नहीं आवे एक नंबर से। तैसी मिलई सहाय, जन होनी हुआ वाला बा इतना लोग से मिली है, आप लोग एक प्रमाण देखो, कहें कि आपन बात यहाँ भी याद है, शरीर के शक्ति से कुछ नहीं मतलब बा, बाड़ी के शक्ति एकदम प्रचंड होना चाहिए। या तो कोई सिद्ध करे कि नहीं भाई, उसी को गुरु कहते हैं जो दूसरे के पत्नियों को अपने पास बुला करके, या तो आए तो मना क्यों नहीं करते, सीधा सीधा कह दे कि माई लोग तुझसे जात जा, अपने पति परमेश्वर का सेवा कर, सीधा कल्याण हो। एक रास्ता बस साफ साफ बता दे, पचासों साल से क्या ड्रामा जुटा रखे है, हैं? तो ठीक है। तो कहते हैं कि जैसी जैसा होनहार होता है वैसा ही सहायता मिल जाता है, जो करने वाला होता है वही चला जाता है, या तो जो जिनके माध्यम से होने वाला है वही पहुंच जाते हैं। हाँ, वो ऐसे हो जाता है। ये सब ईश्वर की बड़ा रहस्यमय लीला है भैया, इसको साधारण न समझा जाए। ते भले हूँ नाथ आय सुधरी सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। तो कहते हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और उनकी आज्ञा पा करके, मतलब आज्ञा को सिर पे चढ़ा करके, घोड़े को वृक्ष से बात करके राजा आके बैठ जाते हैं। यह वह निशाचर कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आपका आगमन हुआ। और वो कह रहा है किस भाव से कि हमारा राज छीने है अब यहाँ से तो घर वापस, तो उन्हें का समझ में आता कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला हो, अपने आप के लिए कह रहा है, बदला लेने के लिए कह रहा है। देखिए, अब देखिए कपड़ का धार, देखिए आप लोग पहचानिएगा कैसे कैसे कह रहा है। अपुनी बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी ये चारों बराबर होते हैं। तो राजा सोचा कि हमारा भला होने वाला है। अब देखिए पहले लालच नहीं था, और जैसे ही वो बोल दिया कि कुछ भला होने वाला है, तो उसको लगा कि हमारा भला होने वाला है, तो अपना फटाफट घोड़ा बांध के आया और बैठ गया और कह रहा है कि हे नाथ, मैं आपको अपना पिता समझ के कुछ ढिठाई कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे राजा जाल में फंस रहा है। अब मुनि मोहि मुनीस सूते सेवक जानी, नाथ नाम निजी कहूं बखानी। ढिठाई क्या कर रहा है? कह रहा है मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र जानकर अपना नाम बताइए। अब चलाकी तो लगा रहा है, है कि नाम हम जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, जब नाम जान लेंगे तब जो है कि उसको जो है अपनी बात बताएंगे। तो ते ही न जान निप निप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट शयाना। राजा उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। हाँ, और राजा तो शुद्ध हृदय था, और कपट करने में राजा भूप सुहृदय सो कपट शयाना, राजा तो उसका हृदय शुद्ध था, लेकिन इधर कपट करने में यह चतुर है ओ मुनि। तो बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की निच है निज काजा। निज काजा, अब कहता एक तो यह बैरी है,
मेरा राज छीन लिया, तो बैरी है, फिर छत्री है और राजा भी है, इसलिए छल बल करके वह अपना काम संवारना चाहता है, मानी अपना राज्य वापस लेना चाहता है। तो समुझी राज दुख है, दुखित आराती अवायन ले हुए सुल गई छाती। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके बहुत दुखी था। अरे भाई, राजा था तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था था, अब सब छीन लिया गया तो दुखी नहीं होगा। और उसकी छाती जो है कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही है। हैं? सरल बचन निप के सुनी काना, बयर सभारी हृदय हर साना। कुछ लोग बोले कि अंदर से धधका था और ऊपर से मीठी बोली, अरे भाई, अरे तो ही सब भाई हमारा संगी रहा है भवाइय वाले ने, लेकिन अंदर अंदर सुन गा था। हाँ, तो देखिए सरल बाड़ी क्या बोलता है, कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुति समय। कपटी लोग युक्ति लहावले। कभी कभी आप लोगों के बीच में अगर कोई पूछी तो नहीं बतावा ये कमवा कैसे हुई, कोनो युक्ति बतावे, जहां युक्ति का बात आयल वहां समझ ला कपट। कहे कि जे सरल बा ओके कोनो युक्ति लगाओ के भाई जरूरत नहीं बा, नहीं बा। और जहां कोई आज गोलल ने युक्ति लगावे समझ ले, आपो तो गलल है, युक्ति लगावे कैसे कमवा बनी कैसे रसवा मिली समझ ले, तो युक्ति लगावे वाला काम ठीक नहीं बा, नहीं हो। जब ही रही कि समाज में हम लोग जाने, पंच में हमारा नाम हो, जब कौनो कामना रही तब ये सब करे की पड़ी, तो वो तो बोलेबे करिए। लेकिन यहाँ बा कि जब हम कोई से कोनो मतलब नहीं बा तो कह दे कि अब नहीं बा, नहीं तो वहाँ झूठ बोले के पड़ी भाई, क्या करवे। चले ठीक बा भैया, ये बताओ आप इन्हें जाना था हमारा रुकल है बाबू हमारा। सुनो सुनो सुनो, आप इन्हें जाना था नहीं जाना होता है, इन कितना समय को हुई है, अरे बहन 75-76 साल, इनसे पूछे इनका आयु कितना हो, बताओ भैया कितना हो, सही सही बताओ भाई, अभी तो जन्म वाला सही बोलता है। हां ये सब बात वो भी समझ में आता है, एक का मतलब आप नहीं जानत रहले, अब जान जा तो भाई 13 दिन के हुए ना, तो ध्यान दे एकदम सही सही बोला, बड़ा आनंद भाई सब। नहीं अब दिनवा बीता था धीरे धीरे ना, जब आप पूछ रहे तो 7 दिन के रहे, अब 5 दिन पड़ेगा। चल तो कहते हैं कि कहन रिप, देखो कपट में डुबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाड़ी क्या बोलते हैं कि नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कहते अब मेरा नाम भिखारी है क्योंकि अब मैं निर्धन हूँ और घर द्वार नहीं। कहन रिप जे भी ज्ञान निधाना, आप लोग भी जानत हो गए, तुम सारी खे गलित अभिमाना। राजा ने कहा कि जो आपके सदृश, अब उसको समझ में आया कि बड़का ज्ञानी मुनि ये बता दिया कि 70 योजन पे मेरा घर है, हाँ अब विश्वास जम रहा है। तो कहता है कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, है ना, सदा रहे अपने पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा को इतना पता है क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। हाँ, और प्रगट संत वेश में ही मान होने की संभावना है और मान से पतन की।
जब किसी का पूजा प्रतिष्ठा होने लगा तो समझ लीजिए उसका पतन शुरू हो गया। यही से भाई कहाँ बा यही से भाई देखो ही रखा रहला कोई देखा तो समझे कि चलो ठीक है भाई सूर सूची खाते बहन हम देख रहे भाई अलग अलग विचारधारा के लोग और तब यहू में एक बात आएगा कि हमने की गाजा पिया बदे रुखा लेना बोलते तो सूर्ती खा ले जबकि कोई से मनो नहीं करे भाई कोई से मना नहीं करे भाई खाली बताइला कि मैं ताम से पूर्वा और जब पैसे नहीं लेवे के बाप है तो सूर्ती कहाँ से आई। लेकिन अब वो बात है कुछ जो है अब क्या कर बे हिमालय से जब शरीर चला तो लगल पूजा हो अब लोग सामने आ गए कुछ पता बा आपके इनके बारे में कि नहीं। अच्छा तो हमें लगा तो दो मिनट बस रास्ते में जो बात हुआ हाँ हाँ तो ठीक बात दो मिनट में तक कोई बात नहीं सब व्यवस्था अलग से बा हाँ अमेरिका अमेरिका से लौटा बात सजी तमाम बात बा वो सब राम कथा की बात जो है थोड़ा चर्चा करल जाये तो कह रहे हैं ना कि जो सम्मान से पतन होता है पूजा प्रतिष्ठा शुरू होगा। वेद का नीति एकदम पक्का बा कि साधु को धन चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा चारों कामनाओं का जो अंत करता है वही संत बनता है। कामनाएं है तो संत नहीं हो सकते। पूजा करवाना नहीं है हाँ पूजा और रही बात की जब संत हो गए तो आप अपने चित्त में ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठा लीजिए अलग से पूजा करने की भी जरूरत हाँ से पैसा का है जाए दे कोनो बात नहीं। तो कहते हैं कि ते ही ते कहि संत श्रुति तेरे परम यकिंचन प्रिय हरि के रे श्रुति माने वेद। देखिए ये कह रहे हैं कि इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं परम अकिंचन माने हमेशा अहंकार ध्यान दे अहंकार ममता और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार ममता और अभिमान यह तीनों का जगह संत के चरित्र में नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इनका त्याग करने से ही तो भगवान को प्रिय होते हैं। तुम समय अधन भी भिखारी अगेहा हो तबिरांची सी वही संदेहा। कहते हैं कि आप सरीके निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शंकर जी को भी संदेह होता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी जी। तो जितना चीज आपके पता लगो तब है आप लोगों से एक विनती भी बा वह सब चीज इन्हों के अंदर तीसरा पावर का कोशिश करो जो अगर कहीं कुछ सिखा जाए तो जरूर अवगत कराया भैया। कहे कि यहाँ से व्यवस्था अपने से लगातार नहीं ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं बा फिर भी आप लोगों के अगर कहीं से तनको अनुभव हो जाए कोनो बाड़ी में तो एकदम तुरंत बताए कि नहीं ठीक कुछ लगता उसे हुआ के चाहिए नो कहे की जो व्यवस्था बा सब जो है चलता तो में अब कहाँ से हुई और कोनो बड़ा दूरी का जन्म स्थान भी नहीं बा माने कि इन्हें जाने बदे सब इंटरनेट से व्यवस्था बा और बिना पूरा रामायण कहे यहाँ से हटे के नहीं बा कहे कि आपके श्रद्धा बा आप सब लोगों के श्रद्धा बा ननकू भैया भी एकदम कोई नहीं देखा चिच्चा सही जाने अगर कोई कुछ हो गए तो ननकू भाई अपने मंदिर के पिछवाड़े लहा दिए दोस्त था गुरु यहाँ भाई कोई ना कहीं सुन अब जरूर तो सुना तो यही बात कह रहे हैं कि जोशी सोशी तव चरण नमामी मो पर कृपा करिए अब स्वामी। कहते हैं आप जो हो सो हो अर्थात जो कोई भी हो मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ और हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। अब राजा प्रताप भानु पड़े चक्कर में है असहज प्रीति भूपति कै देखी आप विषय विश्वास विशेखी।
अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देखकर, अब देखिए क्या होता है कि सब प्रकार राज ही अपनाई, अब बोले अधिक स्नेह जनाई। जब देखा कि राजा हर प्रकार से अपने बस में हो गया, तब अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला कि सुनु सती भाव कहूं मही पाला, यहाँ बसते बीते बहु काला। कह के राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, आपके भी संसार जगत में जितना यहाँ सब है तो कपटी बा। कहते हैं कि भवा देखे तुम्हारे सिदार है, तुमको सही सही बताओ, थी तनको नहीं छुपा होता ही। जे ऐसा बात कहे तू समझ लो कहीं न कहीं ऊपर दाव पेज बा। सही कहता तो सही कहता ही, कहे की जरूरत नहीं बा, कहे की जो सही रहे सही पहचान में। जब शीशा साफ बात देखे अंगूठा छाप भी अपन मुंह देख ली, ओके बतावे कि शीशा साफ हो है कि बतावे पड़ी हाँ। और क्या कर रहा है कि ध्यान दे नहीं और क्या करता है इसके बाद नाम हमारे एक तनु भाई, असुन निप बोले पुनि सिरुनाई। नहीं वहाँ आगे बढ़ गए सब प्रकार हाँ ध्यान दे कर आए कि हमें बहुत समय बीत गया ठीक न, तो अब लगी मोही न मिले को ही नहीं कहता कि हम भागल है भागल रही, कहता कि अब तक हमें कोई नहीं मिला रहा। अब मैं न जनाऊं का हूं और मैंने किसी को जनाया भी नहीं, क्यों कि लोक मान्यता अनल सम। ध्यान दीजिए लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। ये जो धन वंश और नाम, उसमें नाम जो है सबसे बड़ा जो है अग्नि है। नाम करने के चक्कर में आप लोगों के पास प्रमाण होगा कि लोग अपने भाई का भी कत्ल करा देते हैं, ये सब जो नेता होता गिरी करते हैं। तो लोक मान्यता अनल सम, लोक मान्यता की वासना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए यदि आप संत हैं। तो लोक मान्यता अनल सम ध्यान दे रहे हैं, अकर तप कानन जाहू, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। अब लोक मान्यता के चक्कर में पड़े हाँ, तो चलिए अब जो है कि आप लोग आडंबर करिए, भंडारा कोई पहुंचा कि महाराज बताइए आपके लिए क्या करे, भंडारा करिए 10-20 लाख लगा के। अब वो पाप करके अपना कहाँ मिलेगा, अभी तो घर चलाने में मुश्किल होगा, भंडारा कहाँ से होगा। पाप की कमाई बांटेंगे तो उससे पूरे हो जाएगा कि पाप बढ़ गया। लोक मान्यता के लिए आपने पाप को बांट दिया, भंडारा करने का कोई आवश्यकता, ये सब जो है नौटंकी चल रहा है पूरा। भंडारा करिए, कुटिया बनाइए, फोटो पूजा करिए, सब क्या है। अरे जो सही ज्ञान है भगवान शंकर जी की रचना, उसको सुनिए समझिए और निष्काम भाव से जिस भी आश्रम में सेवा करिए। और संत है तो आपको तो लोग जंगल में पड़े रहिए कि आपको जब आश्रम बनाना है, बड़ा बड़ा गेट लगवाना है, नाम छपवाना है, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग कहते हैं कि महाराज तो इतना लोग जाता है तो क्या सब बेवकूफ हो, ये बड़ी प्रश्न आ सकला। तो देखो इन तो नहीं कभी जाता है, कभी कहीं लोग नहीं बाए है ना, काहे काहे कि तुलसी देखी सुबेशु
फूल ही मूढ़ न चतुर नर असुंदर के की पेखु बचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ जो है भ्रमित होते हैं, मूढ़ लोग भ्रमित होते हैं कि बाबा जी कि यहाँ इतना लोग जाते हैं, चलो भिड़िया थान वहां से मुक्ति मिल जाएगी। जब खुद फौसाबा धन उठते बा, चेला उत्पन्न होते बा, नाम होते बा, पूजा प्रतिष्ठा होते बा, जे लालच के चारों रस्सी से खुद बधावा, वो दूसरे के मुक्ति कहाँ से दे भाई? विचार करके देखल जा, कहे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है कि सामने आइए। जब गया अमेरिका से भैया न बनावा गया रहा धरती के वैज्ञानिक, मुख्य पहला वैज्ञानिक चीफ एडिटर ऑफ अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके यहाँ गया नोटिस तो इसने भेज दिया तो गुंडा मारने के लिए, क्योंकि जहाँ लालच होगा धन वही रहेगा और जहाँ लालच होगा वहाँ कपट होगा। बहुत अपना व्यवसाय कर लिए, अपनी गलती को स्वीकार करके या तो सामने आइए, नहीं तो यही जनता आपको जो है भली भांति शिक्षा देगी, वही जो है काल नेमी की तरह हनुमान जी को तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ लोग मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं, और चतुर मनुष्य भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और क्यों? क्योंकि सुंदर मोर को देखो, उसकी जो है कि बोली तो अमृत के समान है। कहते हैं गुरु जी बड़ा अमृतवाड़ी बोलते हैं, हैं? तो वही करते हैं सब। मोर भी बहुत अच्छा बोलता है, और लेकिन देखो तो बीस वाले सांप को भी निकल, यही हाल है। सुंदर के की पेखु बचन सुधा सम असन यही। केकी ही माने मोर, हाँ मोर अच्छा लगता है देखने में ने? और सांप को भी निकल जाता है भाई। तो ऐसे ही संसार के जितनी व्यवस्था है पूरा का पूरा भैया जान ले कि अमेरिका से बनाया गया था यही कि भाई मानसिक रोगों को पहले दूर करिए, तब अपने आश्रम में जिस आश्रम में चाहे मनुष्य का जीवन जिए। और लालच से एक आदमी धरती का इसमें खाली नहीं है, जो लोग गुफा में रह के तपस्या कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी व्यवस्था जो है जितना संसार में आडम्बर है उसमें एक मनुष्य भी नहीं है, चाहे वो विश्व धर्म गुरु हो या विश्व धर्म संगठन का अध्यक्ष सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बैठा हो, सबके यहाँ नोटिस गई थी, कोई सामने नहीं है। सब पाए हैं कि जनता तो बेवकूफ है, हमारी बारी सुन करके हमारे पास आएगी ही आएगी, हमको कहाँ खाने। और यहाँ पर क्या जो संत की व्यवस्था सब धारण किए हैं, नारी मुए गृह संपत्ति नासी मूढ़ मूढ़ाए भय सन्यासी, मेरारू आयल अपने जो है नियम पे नहीं चलाता, लगन गांजा पिए झगड़ा भयल मेरारू के मार देन या कुछ ऐसा होएगा, मूढ़ मूढ़ा करके सन्यासी बन गया भयन, फिर पुलिस लोग ढूंढाता तो कहीं कहीं पकड़ा ले, ये डकैत रहा, ये कत्ल करे रहा ऐसे ही। और यहाँ जो है कि मूढ़ लोग सुतन बाबा जी है, देखे यह सब भाल बा, कहे कि संत का नीति बड़ा पवित्र होला भैया, और मन बाणी कर्म से आप समझ ले आज इतना कि भगवान और संत में एक ही अंतर होला कि भगवान दिखते नहीं और संत दिखल मात्र यही बा कि इनका रूप बा और उनका जो है वो निर्गुण स्वरूप बा। मन बाणी कर्म से संत के दम पवित्र हुआ चाहिए जी, कल्याण से बराबर हाँ। और संत का दर्शन से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, तुरंत बुद्धि उत्तरकांड में पहुंच जाएगा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़ के भाग कोनो दुख संसार में नहीं बा, असंत मिलन समय सुख जग नाही। मन चाहे तो अंबानी के देख ले न उनके देख ले, वो न उतना खुशी नहीं बा जितना आनंद में। हाँ उत्तरकांड में भगवान शंकर जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। और एक बात भा देखो, कौनो यहाँ
जौन भी बात बा आप लोग पकड़ा एकदम हर प्रकार से एकदम खुला हुआ निडर होके एमे इनकर कौनो बड़कपन नहीं, इनकर भाई कौनो बड़कपन नहीं बा। ये आप लोगन के पुण्य का पुंज इकट्ठा बा। क्या है कि भगवान शंकर जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, बिना पुण्य के पुंज के पवित्र संत से मुलाकात नहीं होती। तो आप लोगों की श्रद्धा तो सही है, इसमें कोई जो है कि कटौती नहीं है, लेकिन अब गुरुए कपट का तलवार लिए हुए तो क्या करेंगे। आप लोग स्वतः महसूस करिए, श्रद्धा सही है, जो गुरु के पास जाते हैं तो बड़ा भाव लेके जाते हैं, और अब क्या करें, जब ऊपर से एक तो नीचे से माई लोग और ऊपर से गुरु लोग, बीच वाला जो है कि आदमी विजय भैया कहेंगे गुरु क्या करिए हम समझे नहीं। और ये बात है बा है ना, तो कम से कम एक ही अगर सही हो जाए तो जीव ओके पकड़ के अपन काम निकाल ले। हाँ तो देखल जा, तो कहता है वो अब कपटी मुनि आप लोग एकदम पकड़ो, क्या है कि भगवान खुल खुल के खुल बात खोल खोल के रख दे, इनमें कोनो दूरा नहीं बा और कोई से कोनो हमारे बैर भाव भी नहीं बा। बस इतना जरूर बाबा कि जस काछी एतस चाहिए नाचा, जैसन भेष धारण करो वह चरित्र दिखाओ, है ना, समझ में आता है ना कर बे भाई ये बात। तो वो कहता है कपटी मुनि का कह रहा है कि ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी की मापी प्रयोजन नाही। वो कह रहा है कि भाई ये जो है लोक मान्यता अग्नि के समान होता है, इसलिए मैं गुप्त रहता हूँ, भगवान का भजन करने के अलावा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अब इतना सुनते जो है अब राजा उड़ो चढ़ा, ये बहुत जो है ज्ञानी पुरुष है ना, तो यही सब ऐसा करते हैं। और ऐसे लोग कुआं जरूर खोदे रहते हैं, वेद शास्त्र में भी इनकी महिमा बताई गई है, ऐसे लोग कुआं जरूर खोदते हैं, वो कुआं में रह के खाली करते क्या है बताऊं, वो बस वही शब्द का जो है समायोजन करते हैं कि 15 मिनट के लिए जब जनता के सामने जाऊंगा तो ऐसी कौन सी बाड़ी बोलूं कि जनता हमारे तरफ अट्रैक्ट आकर्षित यही मात्र काम करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है जनता एक दिन उसी कुएं में ढक देती है। कहे कि श्रद्धा विश्वास का कत्ल करता है तो ये बात ठीक समझ जा, जोन कुछ ऐसे ही देखा वो सब क्या नाम ले, अब तो नाम लेना भी बेकार है लोगों का भगवान सामने, लेकिन वो कर रहा है कि हम इसी प्रकार से अब जाते हैं ना। और इनका क्या स्थिति है कि भगवान 24 घंटा इतना पाया है जबकि जब समय मिला हुआ जाए अपन जोन बात पूछे को पूछा ले जाए, हम यहाँ कोनो अलग से वो कुछ ना ही करे के बाद है ना, कि कोनो बना के बाणी बोले के बाद देखे यहाँ चला था कथा, अब जोन व्यवस्था बात सब अपन निकल करता, कोनो अरण कांड से आई तो कोनो उत्तर कांड से, कोनो लंका कांड से, सुंदर कांड से, जहाँ से बाड़ी आई वो सब मिलत जायी। जब ये बीच में जितना बातचीत हो तो ये सबसे जो ना बुद्धि आई जो भ्रम वाली बुद्धि बा वो सफाई हो तो ऐसे एक आगे धीरे धीरे चले अच्छा बा, देर आए दुरुस्त आए सड़किया पर लिखा रोला नहीं तो नाम कर अपने सब 24 घंटा के न अखंड रामायण कही है और उसके बाद में कही है 10 जगह है। अरे अखंड रामायण हाँ तो लोग कही है कि बड़ा धर्म आत्मा आती है और सीखने का कुछ हो नहीं तो कहते हैं कि प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूं कवनी सीधी लोक रिझाए। कहते प्रभु तो बिना जना ही सब जान जाते हैं, आप लोगों की अंतर आत्मा तो सब जानती है, हूं तो भाग बहुत है और हुखारी भरत है। अगर इतने बात कही कि भगवान जवन कुछ जीवन भर करे है कुल बात बोल सको ले तो कोई ना बोली अगर बोली तो बोला देखा जाए थोड़ा सा शांति से समझ के बोला है। सच बात है कि कोई न बोल पाई, बहुत कुछ ईसन कर्म हो जाला
और इनकर का व्यवस्था बा कि पूरा जो ना कि जितना धरती पर पूरा फेसबुक से पूरा विश्व जुड़ा बा इनका परीक्षा कोई कहीं से ले ले इन्हें राम कथा के अलावा कुछ कहे की जरूरत नहीं बा लेकिन जहाँ जहाँ भ्रम में जहाँ जहाँ बुद्धिया फंसा बा वहाँ से छुड़ावे वाला भी बात बोलता है ये नहीं कहता कि हमारा कोनो प्रयोजन नहीं बा इतना जरूर बाकी भक्तन का कल्याण हो जाए भाई हाँ बाकी जैसे जो करे के हो हाँ कल्याण हो रहा है एकदम रोई हाँ तो कोई बात नहीं अब देखो कहते हैं कि कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी बात कह रहा है बड़ा कपट में न कि हम जो है बस खाली भगवान की ध्यान में रहते हमारा संसार से कोई प्रयोजन नहीं है हाँ और सही बात ही बा क्योंकि गुस्सा अंदर से सोचा था कि ऐसे लुभाई तो हमारे जो है कि राज मिली फिर वापस जा अंदर कुछ और बाहर कुछ और रही के खोले कपट ठीक तो फिर क्या कहता कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे कहते तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो राजा को कह रहा है कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर बहुत प्रीति और विश्वास है तो अब तो ताते दूरावं तो ही दारुण दोष घटै अति मोही कहते हैं जो आपको प्रेम करता हो तो उसको कुछ भी छुपाना उससे नहीं चाहिए तो कहता है तार अब यदि मैं कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगता है तो जिमी जिमी ता पशु कथई उदासा अति मिति मिनिपही उपज विश्वासा जैसे जैसे उदासीनता की बात कपटी मुनि कहता जा रहा है वैसे वैसे राजा के अंदर विश्वास रहता है हाँ बहुत देखा तुझे चलाक आदमी है देखा इनका कहीं से कुछ दिखाए इनका कोनो कपट उपट तो बतावे यहाँ कुछ छुपाने जो बात भा पक्का पक्का इसी बाबा है ना कहे कि जवन भी बाड़ी निकली ये अवस्था होला एक खे और जब ये अवस्था आ जाला तो इनमें कोई कभी इनमें सबकर कल्याण बा कोई से रोष नहीं बा भैया कल्याण बा कि अगर भटका बा रिद्धि सिद्धि में फंसा बा तो हाथ जोड़ के विनती करो नहीं तो प्रमाणित करा दे बोल जाए कहे कि बात बा कल्याण कैसे बा कि हर ही शीश धन शोक न हर ही सो गुरु घोर न रक महापर मोर जीवे तो घोर नरक गामी हो गए और अब यही अगर तू प्रेम से कह देवे कि देखो अब रिद्धि सिद्धि का एक बासित नाम का सिद्धि बा हुआ उपे क्या बा अगर हुआ किया और वो जो ना कि यहाँ जो बात होता वो सुना था यहाँ जो बात होता वो सुना था जान ले हाँ वो बा सब सिद्धि उद्धि बाई सब ले जाते हैं पहुंचावता है और इस समय यो सुन ले सुनता नहीं बा कुछ दिन के बाद होकर जरूर हंसा सुन दे कि अब हमें हिमालय हिमालय चलना चाहता हूँ क्योंकि वो डरा हुआ है कि जितना जब कपट किया है सब कपटी को पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या भुगतना है हाँ तो उसको जो है जाने की बात कहेगा लेकिन वो भाग नहीं पाएगा एक साल की देरी है एक साल के अंदर ही सब कार्यक्रम होना है चिंता मत कर उन्हीं का नहीं बहुत कुछ राजा के साथ बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि बात ऐसा नहीं है नियम पहले से भी निर्धारित है बड़े बड़े राजा बड़े बड़े गुरु हुए हैं गुरु वशिष्ठ से बढ़कर आप नहीं है ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए गुरु को ऐसा थोड़ो है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको जो है कि भाई समझ में आ जाता है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ राम जी आ जाते हैं वहाँ कोनो अपने बदे कोनो कामना नहीं रह जा धन वंश नाम पूजा प्रतिष्ठा नहीं अगर कोई की यहाँ कामना बा एक मतलब क्यों ब्रह्म के नहीं जाना क्या कि बिना वैराग्य के भाई भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता जैसे कि आपके बैठे बदे के आधार बना है तब वैराग्य हुई वैराग्य माने कि धरती स्वर्ग बैकुंठ और मुक्ति चारों के सुख भोग के इच्छा का परित्याग तब तो हुई वैराग्य और यहाँ तो जो ना संसारिक सुख भोग से नहीं लोग हाँ
टाइम में अगर आप एक बात आई कि गुरु आप इतना पता होता है और तुम्हारे अंदर के का व्यवस्था बा, इतना निश्चित हो कि अगर समय आई तेना पॉलीग्राफ टेस्ट एक झूठ बोले पकड़े वाली बसी नुला भाई ऊपर भी अंदर बैठा देवल जाये तो यहाँ से आई कि इनके शरीर के अंदर धरती स्वर्ग बैकुंठ और मुक्ति कोनो सुख भोग के इच्छा नहीं वह मशीन बोली सही को होता है जो संसार मतलब कि कहे तत्पर की एकदम व्यवस्था वो अवस्था मिल गया बा इनमें भाई अपन कोनो पुरुषार्थ नहीं बा नहीं कह कृपा बा नहीं कह कृपा बा की अवस्था मिला बा बहुत दुर्लभ बा बिना इनके कृपा की अवस्था नहीं मिलत भाई यहाँ तो बाकी जो कुछ ज्ञान ले रहे हैं बस खाली पैसा संसार में यह चलता रहे कि जो कुछ सीखे बा हाँ सब गागा के रामायण गावस के बाद भी पैसा कोई अगर लेता तो उसमें मतलब महान निकृष्ट काम करा था कहे की वो सब एकदम जी तो कोई बात नहीं ध्यान दे आप लोग समझ जा ऐसे जो हो कि जो रामचित मानस का तत्व ज्ञान बा ओके एकदम धीरे धीरे एक एक की कहे की कपट उपट एकदम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त बायस में अगर धीरे धीरे न डलबे तो अंदर न घुस पाई आपको समझ में आवता भाई ने गुस्सा तो नहीं आता हाँ कहे की यहाँ कोनो जल्दबाजी नहीं बा जितना सुनो सब समझो समझो और जब समझ में आ जाए तो धारण करो तो जिम जिमिता पशु कथई उदास तिमि तिमि नृपहिउपज विश्वास देखा स्वब से कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी जब देखा कि राजा मन बाणी कर्म से मेरा दास हो गया है तब बग माने होता है बकुला बकुला का ध्यान बड़ा फिट होला ध्यान देत रही और जब भी ठोड़ मारी मछली लेके ही निकलो लाभा और ई काम बकुला के ध्यान से नहीं हो सका इनमें चाहिए संत के गुण संत हंस गुणे गही पय पर हरि बारी विकार संत लोग हंस के भांति दूध रूपी सदगुण को ग्रहण कर लेते हैं और दुर्गुण रूपी जल का त्याग कर देते यानी दुर्गुण रूपी जो जल है हंस उसका त्याग कर देता है तो जो संत होते हैं वो सभी दुर्गुणों का त्याग कर देते हैं आज कलयुग का प्रभाव से जब ये सब जो है लालच का भी नहीं त्याग कर सके तो किताब में छपवा दिए हैं कि बच्चा संत के गुणों को धारण कर लो और गुणों पर मत जाओ बच्चा अरे तुम्हारे पास ताकत नहीं है तुम छोड़ सकते नहीं हम कैसे छोड़ लेंगे विश्वास करो वो आए थे कल कोई भाई बोल रहे थे कि महाराज किताब में लिखा कि संत के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए हमके नहीं वो लिखा नहीं लिखवाया गया है क्योंकि वो अवगुणों का त्याग नहीं कर पाए हैं उसको लिखवा दिए हैं जब बताइए संत के अवस्था में नहीं त्याग कर पा रहे तो बेचारे गृहस्थ लोग इतना मारामारी में कैसे कर पाएंगे है ना तो संत के पास सभी सदगुण होते हैं सदगुणों के समुन्दर होते हैं तो जो भक्त लोग है तो सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा जिमि सदगुने सजन पहियावा जैसे धीरे धीरे पानी बहता है तो तालाब भर जाता है वैसे जो सज्जन लोग हैं भक्त लोग हैं उनके अंदर भी सदगुण जब धीरे धीरे जाएगा हाँ तो शिव मूरत भाई को प्रेरणा मिलेगा कहेंगे अब कुछ नहीं बहुत हो गया अब मदिरा एक ठोप नहीं पड़ना चाहिए कल शाम को संकल्प हो गया ये सदगुण दुर्गुण का त्याग करेंगे तभी तो सदगुण आएगा ने अगर बाल्टी में तनको गोबर लगाबा तो मैं दूध धो के क्या करवे पहले पूरा साफ करवे गोबर तब ने तो पहले दुर्गुण दूर हुई तो सदगुण धीरे धीरे अपने आप आई और जहाँ संत रहे वहाँ ये काम होना चाहिए अगर ऐसा काम नहीं होता तो क्या माने की बात ठीक नहीं सब समझल जा भा एकदम सरल सरल बात बा तो बकुला का ध्यान करे वाला कपटी मुनि का कहता कि नाम हमारे एक तनु भाई असुनि नृप बोले उनी सिरुनाई कहता है कि भाई मेरा नाम एक तनु है यह सुनकर राजा फिर अपना सर झुकाए और बोले कि कहूं नाम करे अरत बखानी
अमोहि सेवक अति आपन जानी। कहते हैं, कहा कि महाराज मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ तो बताइए कि एक तनु क्या होता है। तो देखिए वो क्या बता रहा है कि आदि सृष्टि उपजी जब ही अतब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु है तू ते ही देह न धरी बहोर। कहता है जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तभी का मैं हूँ। जब से सृष्टि चला बा तब हुआ जन्म भा तब से हम भाई, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। बहुत महान मुनि जब हुई है ईशन को ऐसा ने को नहीं बहन। यहाँ पर जो है राम जी शरीर धारण करें तो छोड़े के पड़ा, भगवान भी धारण करते हैं तो छोड़े के पड़ा था, लेकिन जब मनुष्य के बुद्धि भ्रम में फंस जाला तो जेकरे साथे फसाबा वो जौन कहला वह निकल वाला। तो राजा इतना जो है कि धर्म धुरंधर हुआ के बाद भी उनका बुद्धि भ्रमित हो गया बा और उसे मानवता है। लेकिन आज के जनता से कहे कि आपको बुद्धि भ्रमित बात कहे गुरु हमें मत सिखाओ, वहाँ को बुद्धि भ्रमित हम ठीक है। तो जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। कहता हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तपस्या से दुर्लभ कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ के लोग पढ़ाते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, अब उसी में अभी भी ऐसे भिड़ा रहा है, उसी में क्या कर रहा है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, अतप बल विष्णु भये जग परित्राता। तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु जी जगत का पालन पोषण करते हैं, अतप बल शंभु करहि संहारा, अतप ते अगमन कछु संसारा। बता रहा कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, जब से सृष्टि का शुरुआत हुआ है तभी से मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि तपस्या के बल से भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी सृष्टि के शुरुआत से ही है, और सृष्टि के समाप्त होने के बाद ये लोग राम जी में मिल जाएंगे। तो ये भी बता रहा है कि हम भी ब्रह्मा विष्णु के समान तपस्वी हैं। हाँ, अब इतना जब जान लिया आज भी वो आलेन है कि आदमी एक औरत आलेन है उषा दड़गा के पुजारी बहन, जैसे कहे अड़गड़वा का ऐसा नहीं कुछ बात बता दे ऐसे ही मेरे रुआ कान दबले, हम कहूंगा वो गुरुआ सब सिखावा ले जहाँ गुरु का निंदा सुनोगा कान दबा ले। तो समझ में आ जाता हो, लेकिन ऐसा काम ना हो, सुनो तू कहे बाबू ने वो के रहा जो है आप लोग जानते जानते ना जेकर आप जाना था ना। हाँ हाँ जो है उन्हें हम कहे कि तू ये सोच के जल्दो ना कि चला गुरु जी कुछ खा लेन की नहीं, कोई बता देने बाकी नहीं वह जो मास्टर साहब है नहीं खाते खा लेना और कोई खाते की नहीं, हम कैसा बात नहीं बा मन बाड़ी कर्म से अपने शंकर जी की सेवा करे थे प्रसाद खिलाया है। थोड़ा वही में हाँ हम कहा शंकर जी बहन खुशन कहेंगे गुरु जी तब सही सही बात बताओ, हम कहे तो शंकर जी इनके अंदर राम जी है सब नारी, अगर ये भाव से अगर भाव सेवा करे तो यही धरती पर स्वर्ग का अनुभव कर बे आप लोग। लेकिन आज बाकी एकदम माने कोई तैयार नहीं बा कहीं, हाँ था नौकरानी यही का ये सब बोला मैं, अब ऐसे मत मुड़ी लाओ जब सही बात रहे तो झूठ बोलिए जानता है सती जी शंकर जी से भी झूठ आके बोल ली है ना कि कोनो परीक्षा नहीं रहे। आज अगर कोई कहता मेरा झूठ बोला कहा खबरदार गुरु अपने मेरा बारे में कुछ मत कह हमारा मेरा तब सही बोला ला। अब बुद्धि भ्रमित बन है, जब कोई कोई के बस में होला तो बुद्धि वह भ्रमित हो जाला, कोई के बस में मत हो है। चाहे लालच हो काम हो गुस्सा हो घमंड हो जलन हो ममता हो कोई के बस में नहीं हुआ के बा
मेहरारू हो, लड़का हो, भाई बहू हो, कोई बस में नहीं, मात्र जो है सेवक है, भगवान का सेवक है, जवन रोल मिलेगा बा बस ओके निष्काम सेवा दे, कोई कोनो लालच नहीं रखेगा, तब बुद्धि पवित्र हुई, तब ये भ्रम से मन दूर हुई, महाभ्रम दूर हुई और भगवान का सच्चा भक्ति मिली, और जहाँ सच्चा भक्ति बा वहाँ मुक्ति बा, ठीक ने? तो देखिएगा, तो अब इतना जब सब बता दिया खटाखट कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी अपन काम कर तपस्या के बल पे, तो हम कह नहीं रह सकी, तो भयहू निपही सुनी अति अनुराग कथा पुरातन कहे सोलागा। अब यह बाड़ी सुनकर के राजा को पवित्र प्रेम हो गया, श्री बहुत बड़ा मुनि है, कर्म धर्म इतिहास अनेक करई निरूपण विरति विवेक। तो कर्म धर्म और अनेक प्रकार का इतिहास कह करके वह ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करने लगा। तो किताब पढ़ के वर्णन करे सब जानत हो, और उसे पूछो कि का झूठ छोड़ सकल है, बता रहा हूँ भैया, पृथ्वी पर ऐसा एक भी प्राणी हो जो अपने आप को धर्म गुरु कहता हो कि नहीं हम ब्रह्म कुमारी चलाते हैं, हम राधा स्वामी चलाते हैं, हम निरंकार स्वामी चलाते हैं, उनका अगर पाली टेस्ट कराया जाए कि क्या आप झूठ का परित्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जो है कुपंथ है, इस पर चलने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कामना है ना, हमारा वो चलेगा तो एनजीओ के लिए धन आएगा तो हम लोग ऐस करेंगे, कहते हैं बाबा जी के यहाँ खूब गाय है, हाँ किसी के यहाँ शादी पड़ता है तो बाबा जी दूध भिजवाते हैं, ये सब कामना बा ने सौंत बह चुकी सब नौटंकी में पड़े से क्या मतलब बा जी, ये सब कुछ नहीं, कोई नहीं, आपको बता रहा हूँ एकदम भैया, सब जो है जितना है ना ध्यान दें, आगे बढ़ने के पहले आगे ही बढ़ रहे हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक अते ही न चलही नर मोह बस कल्प ही पंथ यानी। श्रुति सम्मत यानी वेद से सम्मत, भगवान के भक्ति के रास्ते पर, भगवान के भक्ति के रास्ते पर माने वह जो बिठावे की कोशिश करता है सेवक और स्वामी, ए पर ए समय कोई नहीं चलता, हम और हमार, वही गाबा बड़ा तगड़ा, और भगवान के भक्ति के रास्ते पर जो कि वैराग्य और विवेक से युक्त है, उस पर लोग कलयुग में नहीं चल पाते, और अपने अपने बुद्धि से कल्पना कर करके दम भिन्न निज मति कल्पिकर प्रगट किए बहुपान। अब वैराग्य तो हो नहीं पा रहा है, विरक्ति कहाँ बा, तो फिर कल्पना कर लिए, कल्पना कर करके एक एक रास्ता निकाले बान, और राज सुख लेता है और जनता ले जाके अपन धन दे रहा है, और सोच रहा है कि किसका जो है लालच यहाँ पर कम हुआ है, किसी का, सब लोग तो बस वही श्रद्धा कर रहे हैं कि गुरुजी जो कहे हैं राम नाम का जाप करो करो, ये क्या बात हुई, एक नारी कहे कि हमारे साथ जो है कि रति क्रिया करो और राम नाम का जाप करो करो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं, लालच काम गुस्सा घमंड जलन ममता ये जो छो घास हो जब तक मन से निकली ना तब तक मन पवित्र हो ही ना, और जब तक मन पवित्र हो ही ना तब तक राम नाम में पवित्र प्रेम नहीं हो सका, ठीक बा है ना? देखिए आप लोग कहीं से जुड़े होंगे चिंता मत करिए, क्योंकि बात बिल्कुल सफा सफा है, बात एकदम सफा सफा है, आजकल कुछ नहीं तो पंडित जी लोग एक खुशी चर्चा चला दिए है, जब पत्नी का मन वाणी कर्म पति से बाहर होना ही नहीं चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या चला रहे हैं ये सब ड्रामा, पैसा चाहिए, गाजा गाना बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्म का श्वास निश्चित है जन्म और मृत्यु के बीच में, और चारों वेद कहते हैं
ध्यान दे। और कहा उतना ही भाई भाव भाव वा पक्का पक्का कि एकदम जो है सहज या पावन नारी पति से वत शुभ गति लही। मात्र पति परमेश्वर के सेवा से ही मुक्ति प्राप्त होला। जसु गावत श्रुति चार इसको चारों वेद गाते हैं। अजहु तुलसी का हरहि प्रिय इसी चरित्र के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और सब लोग तुलसी पत्र चढ़ाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान से विवाह करावे ले यही चरित्र के कारण। तो क्या आप पांचवा वेद है महाराज तुलसी वही है तुलसी नहीं ये तो तुलसीदास जी जो है तुलसी एकर नाम रहा ये तुलसी नहीं तुलसी जो है कि जो पौधा है हाँ तो वह जो है कि भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि तुलसी जी नारी के रूप में भगवान का सेवा की है मन वाणी और कर्म से पवित्र रहे आज भी आज वही तुलसी जी अब वही वृक्ष के रूप में है जैसे आप बेल देखते हैं ना लक्ष्मी जी अपना स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दी थी तब यह बेल का जो फल होता है वह लक्ष्मी जी का स्तन का स्वरूप ले लिया है जो है ये सब दूसरे रूपों में हाँ तो वह तुलसी जी अब उन्हीं के चरित्र के कारण ये तुलसी का पत्ता चाहते हैं चढ़ाते हैं ठीक है आम और क्या कह ले महुआ का पत्ता क्या नहीं चढ़ाते हैं तुलसी के क्या चढ़ा ले तो यही चरित्र और मन वाणी कर्म से जो भी माँ अपने पति का सेवक बन जाएगी वो माता पार्वती जी और तुलसीदास तुलसी की तरह तुलसी जी की तरह ये तुलसीदास जी दूसरे हैं माता तुलसी के पुत्र है रत्नावली के पति रहे ये सब बातें हैं ध्यान दीजिएगा कि मन वाणी कर्म से लोग जितना नौटंकी कर रही हैं इनका जानते हैं जैसे दौड़ लगाते हैं ना तो आगे एक लक्ष्य होता है ना उसको छूना है इनका पूरा दौड़ का लक्ष्य यह कि जिस क्षण मन वाणी कर्म से अपने पति परमेश्वर की दासी बन जाएगी उस दिन उनको माता भवानी पार्वती का स्थान और तुलसी जी का स्थान मिल जाएगा इसी समाज में नहीं कर पाती भैया एकदम सरल बात भाई के समझो कहे कि अब जब तक जो है लंका में देखे आग लगाओ दे हनुमान जी निकला बहन कि सब का हो तो ऐसे का हो जाए हाँ कोई या तो सिद्ध करे है ने तो कोई बात नहीं तो उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी सारी बाणी रिकॉर्ड भी हो तो सुनिए जहाँ जहाँ सब भेजिए व्हाट्सएप के जरिए आजकल बड़ा बात है तो सुनिए तो कहीं लगा था कि मामला गड़बड़ाए वाला बा कहे कि इतना जान ले एक कोनो चीज याद करो ले जब तक हर जगह से ध्यान नहीं हटूंगा वो चीज याद नहीं हो और भगवान के ज्ञान प्राप्त करे बदे पूरा वैराग्य चाहिए अगर धरती स्वर्ग वैकुंठ और मुक्ति कौनो भी सुख भोग की इच्छा बात हो व्यक्ति के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकत निश्चित बात विचार करके देखना भाई धरती पर तो कुछ अच्छा मिलल नहीं पता नहीं इंद्र की यहाँ का बा अगर एक लालसा लगा बा तो फिर वो भगवान में चित लग सकला जब तक सुख भोग की इच्छा रही ये तत्व में योग नहीं हो सकल क्यों हो सकल आपसे बताओगे सरल बात बा तो उनका जब ज्ञान प्राप्त करे हुआ तो एकदम विराग पक्का पक्का और भगवान के जो ना भक्ति सब करे बार खिलवाड़ अलग अलग पंथ करके ये सब पंथ का जो है कि पहले बताओ तो ये में बाल लिखा जो है ये शरीर की मत समझी हुआ भगवान ने सब कर होता है इनमें सफा सफा बात बा कि या तो अपने आप को प्रमाणित करिए नोटिस गया सब बिल में घुस गए गुंडा भेज दे रहे मारने के लिए इसको संत कहते हैं ताकत नहीं है तो फिर ये सब क्या कर रहे हैं यही सब है तो यहाँ पर किसी का बात नहीं बात यह है कि भाई देखिए अभी कलयुग उतना प्रचंड नहीं है अभी भी लोगों को माँ बहन बेटी का जो है सोच समझ है करीब 45% लोग भूल चुके हैं बहुत और ये 50 जैसे ही क्रॉस हुआ ना तब एकदम जो है कि फिर प्रलय कोई बचा नहीं पाएगा जी तो देखिए अब सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की जो अपार आश्चर्य भरी कथाएं हैं वो सब कपि मुनि सुना रहा है इनको तो सुनी महेश सुनी महीप तापस बस भयो
अब देखो बस में होएगा, इतना जब सिखाए तब राजा जो है बस में होएगा। अपन नाम कहन तब लयऊ, तब वो अपना नाम बताने लगा के हाँ सुनत आया तब ठीक से। तो कहता पसनी पे जानऊ तो ही, क्या बताओ मत, मैं तुमको जानता हूँ किन्ने हूँ कपट लाग भल मोही, तुमने मेरे साथ कपट किया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि राजा हर जगह नाम नहीं बताते अपना, ये नीति है। तो सुनु मही से असी नीति जहां तहां नाम न करही, सोठा भाई दोहा समझ लगी पढ़े। तो सुनु मही से असी नीति जहां तहां नाम न कही नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। कहता है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ना। अब राजा और बस में आए, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य के तु तव पिता नरेशा। कहता तुम्हारा नाम प्रताप भानु है मैं जानता हूँ, और महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे ये भी जानता हूँ। और कहता है गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नया अपने जानिए काजा। कहता है कि गुरु के कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। अब देखिए बुद्धि भ्रमित है, नहीं तो राजा को तुरंत पूछना चाहिए कि जब तुम एक तनु हो तो तुम्हारा गुरु कहाँ से हुआ, बोल 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 तब बोल जाता मैं। लेकिन अब यहाँ वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। इसीलिए किसी के मीठी मीठी वाणी में नहीं आना चाहिए, जो आपका अपना अनुभव हो। बता रहा हूँ महाराज ये समय जो है धर्म एकदम लुप्त हो चुका है। काल ही कलयुग पाही धर्म पराही, धर्म भाग चुके हैं, खाली अलग अलग पंथ लेकर लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। जो तपस्वी मुनि है वो बेचारे जो है कंदरा में छुपे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, और जो कपटी लोग हैं अपना मौज उड़ा रहे हैं। तो देखिएगा माने समझते जाइएगा, जब कहा कि गुरु के प्रताप से मुझे सब पता है, जब आप एक तरु सबसे पहले हुए तो तुम्हारा गुरु कहाँ से आया। खोबा ननकू भैया बात पक्का पक्का हाँ। तो कह रहा है देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। कहता है तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन देखकर, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहू कथा निज पूछे तोरे। कहता इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तो अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब देख लिया कि जब बस से आ गया कि अब मैं प्रसन्न हूँ, अब संशय नहीं है। क्योंकि जब आदमी देख लेता है कि हमारे बस में हो गए हैं है ना, तब वहीं पर लोग अपना कपट का तलवार देखते हैं। वहीं माता केकई ने भी किया ठीक ना, यही से जो है कि आदमी की मिजाज को गुलाम न हो के चाहिए। नहीं गुलाम का अर्थ बा की बात तो सेवा करे, जे अपने धर्म पे रही होके कोनो दिक्कत नहीं बा। यहाँ पर आए तो किसी ने बताया कि महाराज एक कोई बाबा जो है उनको सब यहीं पर काट के फेंक दिए, मतलब कुछ मारोड़ दिए थे। हाँ तो जो जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, तुम मार दिए तुम मार दिए तो उसमें मैं क्या करूँ भाई। गलत काम किए तो अंजाम कौन होगा भाई, जो गलती करेगा उसको तो मिलेगा, तो उसे क्या लेना देना है। अब ये कह करके कोई अगर हमको कुछ कहना चाहे तो इसमें कुछ नहीं है, भगवान का कथा चल रहा भैया, यही कथा कहना है जिसको सुन रहा सुने, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे अपना किधरों चले जाएंगे, कहीं रुकना नहीं है भैया। लेकिन भगवान का कथा शुरू हो तो उसकी पूर्णावती करके जाना चाहिए। और जब आप लोग समझ गए कि इनका यही नीति है
तो नीति जो है उसमें देखिए कहीं भी कटाव नहीं मिलेगा आपको, तो कोई बात नहीं। तो कहता है कि सुनि सुबचन भूपति हरेसाना गही पद विनय किन विधि नाना। अब वो कराए मांगो, अब तो उसको अब देखिए लालच यही से उत्पन्न हो रहा है। अभी तक तो ये धर्म पुरंदर रहा, लेकिन अब ये लालच हो रहा है। हाँ, और ये लालच जो है कि शुरू में बाऊ लोग जो है संसार के शुरू कर ले बचवा तो बाऊ भाई बताओ क्या चाहिए, चल देख तुके जूता लिया ले नया नया, ये बड़ा खुश बा लगी रो हमें कपड़ा चाहिए, ठीक है ले चले कहे कह की स्वारस वाला लड़कुआ से। ये सब ऐसे लालच न दिखाओ चाहिए, बहुत कुछ बा आगे चलिए। तो वो क्या बोल रहा, लालच तो हुआ लेकिन अब देखिए लालच कितना, अरे लालच तो नहीं था पहले, अब लालच उत्पन्न हुआ। फिर भी राजा क्या बात कर रहा है कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारी पदारथ कर तल मोरे। कहता है महाराज आपके दर्शन से ही मैं धन हो गया और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष को मेरे हाथों में ही आ गया है। अब प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की मांगी अगम बर हो सो की। तो भी स्वामी प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ बर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। तो क्या मांग रहा है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को। कहता है मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से मुक्त हो जाए, न तो मैं बुढ़ा हूँ न मेरे पास दुख आवे और न तो मैं मरूं। वृद्धावस्था दुख और मृत्यु, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। और पृथ्वी पर मेरा राज 100 कल्प तक एक छत माने एक ही शरीर से अकंटक राज्य। एक कल्प होता है 4,32,00,000,000,000 का, एक कल्प होता है। कहता है 100 कल्प तक मेरा राज हो, देखिए कितना बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया। इसलिए भैया संसार जगत के ध्यान रखिए, और आज यहाँ पर सब लोभ उत्पन्न करने वाले हैं जो प्रेम दिखाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं ना कि हम कैसे आपके लिए बड़ा हितकारी हैं। तो कहूँ कहता पस निप ऐसे ही होई कारण एक कठिन सुनु सोई। तपस्वी कहता है राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो सुन लो। तो ठीक सुनावे तो सुनाई। कहते हैं कि कालौ तुहु पद नाई सीसा एक विप्र कुले छाड़ी महीसा। बहुत अच्छे से बात के समझो कि अगर आज ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए तो तपस्वी भेष है भैया, माने कि पहले के राजा लोग चरण का धूल लेकर के अपने जो है राज मुकुट को जो है टीका लगाते थे, तिलक करते थे और कहते थे गुरुजी हमारा धन लेके इसको धन करिए, लेकिन ब्राह्मण धन की तरफ देखते तक नहीं। आज वो ब्राह्मण कहाँ लोलुक हो गया, मतलब लुप्त हो गया। आज सभी लोभी और लोलुक हो गए, इसलिए सब लोग जो है खींचा गए कि अब तो कोई मतलब नहीं है, सब एक ही जैसे हो गए। तो कहते हैं कि एक केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। क्यों? क्योंकि तप बल भी प्रसदा बरियारा अतिन के कोपन को रखवारा। ब्राह्मण अगर कोपित हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तक भी जो है पीछे हट जाएंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था ब्राह्मण का रहा है। यह वेद और शास्त्र में निहित है, आज उस प्रकार का तपस्वी ब्राह्मण नहीं रहे, रूट पर नहीं चल रहे हैं। हाँ, क्यों? कहते हैं कि जो भी प्रण बसे
करहु नरेशा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। कहते यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण उस प्रकार का हो तब न, इसलिए कलयुग में जो है ब्राह्मण का साप लगता नहीं है, अब नहीं लगता है क्योंकि आप जब रहेंगे सही तब लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, है ना। तो हाँ, तो कहते हैं कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। बात बिल्कुल पक्की है कि ब्राह्मण कुल चाहे जैसा भी युग हो, इस युग में भी जो ब्राह्मण कुल से विरोध करेगा उसका नाश अवश्य हो जाएगा। अर्घड़ा वही कार्य किया हमेशा जो है ब्राह्मणों की बुराई। अरे भाई आज युग का प्रभाव पड़ा है, लेकिन राम जी स्वतः कहते हैं कि सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सोहाय विप्र कुल द्रोही। कहते हो राम नाम का जाप करो, शर्म नहीं आती है। राम जी को ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता और तुम ब्राह्मण कुल के द्रोही। देखा जाए मैंने समझे बदे कुल बतिया सफा सफा समझ ले, ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, तुम लालची हो, लालची हो। अगर वो परमहंस जी एक जो है कि सिक्का नहीं लेते थे, गुरु का विरोध करते हो तुम, धन इकट्ठा करते हो, ब्राह्मण विरोध, गुरु विरोध, परमात्मा की जगह अपना फोटो पूजवा रहे हो, परमात्मा का विरोध, उसके बाद भी करते हो गुरु। सब सफा सफा है समझिएगा, ऐसा सब चल गया तो लोग इसी को सोचते हैं कि जो ऐसा करता है वही गुरु। अरे यार चोरों के भी उस्ताद होते हैं और तुम तो ठगों के उस्ताद निकले, ऐसे नहीं होना चाहिए। यह बड़ी सिर्फ आप लोगों की चेतना की जागृति के लिए कही जा रही है ना, न कि इसमें निजी कोई स्वार्थ है, क्योंकि ये बहुत चलते चलते स्थिति बहुत चरमरा गई है। बाकी न्यूज़पेपर में सारी बातें छपी है, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो कहते हैं कि विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नाश नहीं कवन हूँ काला। कहते हैं ब्राह्मणों के साप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरे अब नासु। राजा उसके वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा हे स्वामी अब मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि उसको लगा कि अब हम सबको मिला लेंगे। तो तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। कहता है कृपा निधान प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। अब मिलब हमारे भुलाब निज, कहूं न हम ही न खोरी। वो कहता है एव मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। तो आप लोग सीधा सीधा हाथ जोड़ के विनती बाबा, जब ये संसार में कोई भी व्यक्ति ये बात कहे, कोई भी कि देखो ये बात कोई से बताया मौत, तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति कपटी है, तुरंत समझ जाइएगा। आप लोगों के जो है समय समय पर आगा ये है करा देता ही नहीं, वो तो जो कहा कोई गुरु है, गुरु कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु हो, कोई गुरु का कोई जब भी रखता नहीं तो गुरु की बात ही नहीं होती। आगे जब बता दिए कि बिना बैराग के योग नहीं हो सकता, और आप लोगों का भी बुद्धि काम कर रहा है कि जब सुख भोग की इच्छा बा तो भगवान के ज्ञान कैसे मिल सकला। यहाँ तक किताबी का दो लाइन नहीं याद हो जब से ध्यान हर जगह से न हटावे, और भगवान का ज्ञान इतना जल्दी प्राप्त कर लेवे। जोग विराग ज्ञान विज्ञाना,
ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना, ये सब पुरुष तत्व है भैया। और हिमाचल प्रदेश का नंबर भी होगा कुछ, पता करिएगा अगर चाहे तो। 27 दिन तक जब इस शरीर के अंदर कुछ न तो अंदर न तो बाहर, समाधि में शरीर पड़ गया तो पता चला एक पुरुष भी नहीं है धरती पर। वैराग माने सब सुख के फूक की इच्छा का त्याग, कहाँ है? देखिए आप लोग देखिए, तब जो है शरीर बड़ा शंकर जी की प्रेरणा से वहां से चला। 27 दिन तक पता नहीं था शरीर का, चित मतलब चित्त में संसार नहीं था, वहां से चले। बहुत सब है जो कि कथा का जब आज विराम होगा तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नया नया है आप लोग। क्योंकि ऐसे होता है भाई, परमात्मा का ज्ञान इतना आसान है क्या कि कोई ऐसे ही पा लेगा किताब पढ़ करके? तो कहते हैं कि ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परमय काजा। कहता है राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। अछठे श्रवण यह परत कहानी, ना से तुम्हारे सत्य मम बानी। कहते हैं छठवे कान में पड़ा, दो कान उसका है, दो कान राजा का, चार हाँ, और छठवा मतलब कि दो ठो आएगा तो एक ठो तो आएगा नहीं, दो ठो आएगा। तो छठवे कान में पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, इसे किसी से कहना मत, समझ रहे हैं? और यहाँ पर भाई साहब कोनो बात नहीं बात, जौन बाड़ी बाप जितना रिकॉर्ड होता पूरा संसार में सबसे कहो, काहे की कोनो अब यहाँ चिंता नहीं बा, काहे की शोक मोह संदेह भ्रम मोरे मन कछु नहीं। अब यहाँ न तो कोनो शोक बा न मोह बा, जौन बात बा सफा सफा बा भाई। यह प्रगटे अथवा द्विज श्राप, नास्य तोरे सुनु भानु प्रताप। कहते हमारी बाड़ी को या तो बता दिए या तो ब्राह्मण का श्राप मिल गया, तो दोनों प्रकार से मत तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि हर को पही मन माही। कहता और किसी भी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर जी भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी बात बता दिए या तो ब्राह्मण साथ दे दिया तो तुम्हारा सब नाश हो जाएगा। तो सत्यनाथ पद गहिंदी पे भाखा, अद्विज गुर को पे कहूं को राखा। राजा मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। अब उसी में मिला दिया, जब आदमी भ्रमित बुद्धि होता है तो लोग उसी में मिला देते हैं। मेरा रू लोग कुछ अगर झगड़ा करिए तो उन्हें सांत्वना दी है, कहें कि राहे दे, आखिर के दिखाए तुम ही तो बहु, आखिर के हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जाते, मत करो। और राजो आजकल ऐसा नियम निकाल दे बा, अगर मेरा रू कुछ कह दे तो मतलब एक के रिपोर्ट कर दे तो 48 घंटा बदे जेल, बिना कुछ पूछे भाई। यही से आदमी एकदम परेशान भा, मन राजा का नियम गुरु और मेरारू और बीच में आदमी लोग कहे गुरु का करी है ना। तो कहते हैं कि राख ही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कहते अगर ब्रह्मा क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन जब गुरु क्रोध करे तो ब्रह्मा भी कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो जौ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। राजा को सब बात पता है, लेकिन अब गुरु गुरु हो तब न, आज के सब लोग तो यही बात बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो अगर सच्चे गुरु होते तो भ्रम दूर हो गया होता। आप लोग आज से नहीं काफी दिन से लगे हुए हैं, धीरे धीरे बुढ़ोती आ गई, दाढ़ी मोछ पकड़ लगा है ना। तो अगर गुरु सही, अगर दवा सत्य रहेगी तो काम करेगा जी। और आप देख ले कि ये छोटे घास में से कौटे निकला बा, खुद है महसूस कर ले, हम जानो दही बा। तो कहते हैं कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे।
एक ही डरे डरे पत मन मोरा, प्रभु मही देव साप अति घोरा। कि ब्राह्मण का साप अत्यंत घोर होता है, इसी से मेरा मन डर रहा है। तो पूछ रहा है फिर कि हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करी सो तुम तज दीन दयाल निज, ही तू न देखूं कोई। कहता है कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, देखिए जब दूसरे के बस में हो जाता है आदमी, कहते हैं ऐसे ही कि हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को अपना हेतु नहीं देखता हूँ, माने आप ही सब हमारे हेतु है। तो सुनु निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनी ओही की नाही। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, परंतु वे कष्ट साध्य यानी बड़े कठिनता से बनने में आते हैं। अहीं एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। कहता है कि और इस पर सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित है। क्या अर्थ लिखते हैं? कहता है अहीं एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। हम दोहा देख करके ही बताएंगे तो सही रहेगा। कहते हैं कि एक उपाय है, लेकिन उपाय और भी है, लेकिन उसमें एक उपाय है जिसमें एक ही कठिनता है, दो ठो कठिनता नहीं है, मात्र एक ही है, और में बहुत कठिनता है, लेकिन एक उपाय ऐसा है जिसमें एक कठिनाई है। तो मम अधीन जुगुति नृप सोई, मोरे जाब तव नगर न होई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे ही हाथ में, पर मेरा जाना तुम्हारे गांव में नहीं हो सकता है। आज लगे अरु जब ते भयहू, काहू के गृह ग्राम न गयहू। कहा कि आज तक मैं किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ। तो कहता है कि जौ न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असे मंजस आजू। कहता है कि यदि मैं नहीं जाता हूँ तो बड़ा अकाज होगा, यानी काम बिगड़ जाएगा, और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। अब देखिए, अब राजा को चाहिए 100 कल्प तक का राज, लालच है, तब क्या कह रहा है कि सुनी महीस बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। तो विनम्र वाणी में बोलता है कि हे नाथ, वेदों ने ऐसा नियम बताया है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरी निज सिरनी सदात्री ने धरई। वेद ऐसा नियम बताते हैं कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पहाड़ भी अपने सर पे घासों को उगने देता है, है ना। जल दिया गाध मौली बह फेनू, संतत धरनी धरत सिर रेणु। कहता है कि इतना आगाह समुद्र है, फिर भी अपने ऊपर फेन को रहने देता है, और धरती अपने सिर पे हमेशा धूल को धारण करती है। तो अस कही गए नरेश पद, अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो हूँ कृपालु, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कह करके राजा मुनि का चरण पकड़ लेता है और कहता है, स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल।